अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं दानिश जावेद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता हूं आपके हर दिल अजीज प्रोग्राम हालात में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के हवाले से आपके लिए ऐसे ऐसे सेंसिटिव टॉपिक लेकर आते हैं जिनका ताल्लुक आपकी ज़िंदगी, आपके माहौल और आपके इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं से होता है। इसी हवाले से आज का हमारा टॉपिक है रोड सेफ्टी, और रोड सेफ्टी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जनाब अब्दुल रहमान साहब। अब्दुल रहमान साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं और तालीम के हवाले से हमारे समाज में बहुत काम कर रहे हैं। अब्दुल रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। दोस्तों, हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं जैद खालिद पटेल साहब, मशहूर इस्लामी स्पीकर हैं और मशहूर इस्लामी स्कॉलर हैं। जैद खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अब्दुल्ला, आपका इस्तकबाल है। और दोस्तों, मुंबई के हरदिल अजीज एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक कैसर खालिद साहब, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, एक शायर भी हैं, एक स्कॉलर भी हैं, आज हमारे साथ हैं रोड सेफ्टी पर हमारे साथ बात करने के लिए। कैसर खालिद साहब, आपका इस्तकबाल है। सलामत। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, रोड सेफ्टी के हवाले से मैं आपको बताऊं, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, जहाँ पर रोड नेटवर्क इतना बड़ा है, तकरीबन 3 मिलियन यानी 30 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क हम हिंदुस्तान में रखते हैं। 85% रोड एक्सीडेंट में जो मौतें होती हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में होती है, डेवलप कंट्रीज में नहीं होती, डेवलपिंग कंट्रीज में होती है। और आगे मेरे पास डाटा है कि उसमें से 10% हिंदुस्तान में होती है। आइए, इस हवाले से हम अपने ट्रैफिक कमिश्नर कैसर खालिद साहब से सवाल करते हैं। कैसर साहब, रोड सेफ्टी के हवाले से वो कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो आवाम की नासमझी के सबब एक्सीडेंट में, मौत में या बहुत शदीद जख्मी हो जाने वाले हादसों में तब्दील हो जाती हैं? इसकी बुनियादी वजह जो मैं समझता हूँ, जो हमारा तजर्बा भी है और जो डेटा से कन्फर्म भी होता है, वो ये है कि रोड डिसिप्लिन हमारे अंदर बहुत कम है। एक छोटी सी मिसाल मैं ये देना चाहूँगा कि हिंदुस्तानी जैसे ही जहाज़ पे सवार होते हैं और किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, उस मुल्क के तमाम कवानीन को, जैसे कि रोड पे नहीं थूकना, जैसे कि लेन नहीं कट करना, जैसे कि सिग्नल नहीं जंप करना, जैसे कि हेलमेट पहनना, इन तमाम कवानीन को वो फॉलो करते हैं और घर आते ही उसको बालाए ताक रख देते हैं, भूल जाते हैं। तो एक बड़ी बुनियादी वजह है कि हम रोड डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं। दूसरी बड़ी वजह जो है, जैसे मुंबई के डेटे के हिसाब से, मुंबई शहर में पिछले साल 450 फैटेलिटीज़ हुई, एक्सीडेंट्स ऑन रोड टर्निंग इनटू फैटेलिटी, जिसमें मौत हो गई। इसमें एक बड़ा हिस्सा, और यह सबसे बड़ा हिस्सा जिनका है, वो है पेडेस्ट्रियन। जब हम रोड को क्रॉस करते हैं तो बुनियादी ज़रूरत यह है कि हम दोनों तरफ देख लें कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, और उसके बाद हम रोड को क्रॉस करें। हम बहुत बार उसको नहीं देखते हैं और उस वजह से हम हादसों का शिकार होते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा ग्रुप है विक्टिम्स का, वो है मोटरसाइकिलिस्ट का। आपको मालूम ही होगा कि मुंबई शहर में लाखों की तादाद में नौजवान नौकरी के लिए आते हैं। शहर में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इतनी ज़्यादा है कि बहुत सारे लोग सबर्ब में या बहुत दूर दराज इलाक़ों में रहते हैं, और मोटरसाइकिल से वो अपने काम तक जाते हैं और वापस लौटते हैं। अब मोटरसाइकिल चलाने के लिए हेलमेट लगाना एक शर्त है, कानूनन ज़रूरी भी है, और ये हमारी ख़ुद की सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने एक्सीडेंट का मैंने मुताला किया है, उसमें 95% ऐसे एक्सीडेंट हैं जिसमें मोटरसाइकिलिस्ट की मौत इसलिए हुई कि उसने हेलमेट नहीं लगाया था। आपको मालूम है कि ब्रेन हेमोरेज फौरन होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम फेटल होता है। तीसरी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो ये है कि इमरजेंसी व्हीकल्स का फिलफौर नहीं पहुँच पाना। आपको मालूम है कि यहाँ पे 2000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क है मुंबई शहर में। मुंबई शहर में सैकड़ों हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन हमारा जो एम्बुलेंस नेटवर्क है वो अभी भी डेवलप्ड कंट्री के मुकाबले में उस लेवल पर नहीं है। कल मेरे साथ नीदरलैंड का एक डेलीगेशन आया हुआ था, जिसमें कई प्रोफेसर्स थे जिन्होंने कि वहाँ पर एमरजेंसी व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है। उन्होंने हमें एक प्रेजेंटेशन दिखाया, उस प्रेजेंटेशन में ये ख़ास बात थी कि अगर किसी इलाके में, पहले तो वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं कि किसी इलाके में एक्सीडेंट होने का कितना चांस है। मसलन एक शहर में एक्सीडेंट होने का चांस एक देहात के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है, तो अपने एमरजेंसी व्हीकल को वो पोजीशन वैसा करते हैं। उसमें से कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाए और कोई गाड़ी उनकी वहाँ पे इंगेज हो जाए, तो दूसरी गाड़ियों को रिपोजिशन करते हैं ताकि 15 मिनट के अंदर अंदर विक्टिम तक एम्बुलेंस पहुँच सके। यानी बैकअप है।
बैकअप है। अब हमारे यहाँ बहुत बार क्या होता है कि हम विक्टिम को हॉस्पिटल पहुँचाने में देरी हो जाती है। हमारे यहाँ रोड का कंजेशन भी एक बड़ा मसाला है इसका, कि मुंबई जैसे शहर में जहाँ के डायरेक्शनल फ्लो है, सुबह में सारे लोग साउथ को जाते हैं और शाम को नॉर्थ या ईस्ट की तरफ वापस लौटते हैं, तो वहाँ पे एम्बुलेंस को तेज़ी से लेके जाना एक मसाला है। चौथी जो बात मुझे नज़र आती है जो हमारे एक्सपीरियंस से है कि हम में से वो लोग जो कि फर्स्ट एड मुहैया कराते हैं, कई बार उनको खुद मालूम नहीं होता कि विक्टिम को लिफ्ट कैसे किया जाए। They are not trained people. तो बहुत बार सर्वाइकल ब्रेकअप हो जाता है आदमी को, जितना नुकसान एक्सीडेंट से नहीं हुआ उससे ज़्यादा नुकसान जो है उसको उठाने से होता है, उसको रखने से होता है। एक बदकिस्मती के बात जो इस शहर में देखता हूँ, बल्कि पूरे मुल्क में मैं देखता हूँ, कि अगर एक्सीडेंट कहीं पे हो जाए तो तमाम लोग कन्नी कटा के भागने लगते हैं, गाड़ी रोक करके उसको तुरंत इवैक्यूएट करना, उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाना, उसको मदद दिलवाना, ये शायद हमारी फितरत में नहीं है या हम क्यों भागना चाहते हैं। मैंने कई लोगों से बात की, वो कहते हैं साहब बाद में हमको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, बयान देना पड़ता है। ठीक है, मैं बात समझता हूँ कि बयान देना पड़ता है क्योंकि किन हालात में एक्सीडेंट हुआ, आपने क्या देखा, ये तमाम चीज़ें लॉ में ज़रूरी हैं, लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे एक एक्ट से अगर किसी की जान जा रही है जो कि किसी भी सूरत में वापस नहीं आ सकती है, तो हमारी इस नादानी या ना समझी या ना फहमी से हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जी, हमारे एक एक्ट से अगर किसी की जान बच सकती है हमारी थोड़ी सी परेशानी से, अदालतों या पुलिस स्टेशनों के चक्कर काटने से अगर किसी की जान जैसी कीमती चीज़ बच सकती है, तो हमारे ख्याल में हमें उस एक्ट को करना चाहिए, थोड़ी सी परेशानी ले लेनी चाहिए। मेरा सवाल अब्दुलरहमान साहब से, अब्दुलरहमान साहब आप एजुकेशनिस्ट हैं, एजुकेशन के फील्ड में काम करते हैं, एजुकेशनल एम्पावरमेंट में काम करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आवाम के बहुत करीब हैं, आपको क्या लगता है कि हमारे आवाम में ये जज्बा कब पैदा होगा कि मैं ये अपने काम पे एक घंटे लेट हो जाऊँ तो चलेगा, मैं थोड़ा देर पुलिस स्टेशन जाके आ जाऊँ तो चलेगा, मैं थोड़ा अदालत में गवाही दे दूँ तो चलेगा, लेकिन किसी एक की जान बचा लूँ या किसी एक का टूटता हुआ हाथ पैर बचा लूँ, ये कब हमारे अंदर होगा? क्या हमारे एनजीओज या हमारे सोशल एक्टिविस्ट लोग जो हैं वो सिर्फ पुलिस और कानून वालों पे जिम्मेदारी डालते रहेंगे और अपने यहाँ कोई जागरूकता पैदा नहीं करेंगे? क्या हम आम आदमी के दिल में, आम आवाम के दिल में ये ख्वाहिश पैदा नहीं करेंगे कि वो दूसरों की मदद के लिए आए और ये सोचे कि कल मैं या मेरा कोई अपना इस हालत में हो सकता है? देखिए, खाल साहब ने बहुत अच्छी तरह से फरमाया था कि यहाँ पर जो रोड डिसिप्लिन है वो नहीं है। ये तो आइडेंटिफाई हो गया कि रोड डिसिप्लिन नहीं है हमारे पास। उस डिसिप्लिन को लाने के लिए मशीनरी के साथ साथ आम लोगों की भी उतनी जिम्मेदारी होती है कि वो आगे आके उस पर काम करें। अब ये तब होगा जब मशीनरी और आम पब्लिक काम करेंगे, और उसके लिए अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बताना चाहूँगा, वर्ल्ड सेफ्टी वीक था, उसमें हम लोगों ने उसको शुरुआत की थी, मेयर साहब आई थी उसका प्रोग्राम को अवेयरनेस लाने के लिए, फिर हमने उसको फिर बैंड्रा में भी किया था। दरअसल हमारा मकसद ये था कि हम लोगों में उस चीज़ को ले आएँ कि अगर एक छोटी सी ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उसको अगर आप समझें कि वो क्या चीज़ है, और ये दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चलने वाला उस ज़ेब्रा क्रॉसिंग से चले और गाड़ी वाला उस पर गाड़ी ना खड़ी करे, ये दोनों के लिए अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। अब गाड़ी वाले ने ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी लाके खड़ी कर दी है तो चलने वाला डेफिनेटली क्रॉस करके डाइवर्ट मार के जाएगा, और दोनों अपने आप को खतरे की घंटी को एकदम अलर्ट करते हैं कि भाई इसने गलती कर दी तो ये गया, और ये जल्दी क्रॉस नहीं किया तो इसने ठोक दिया। अभी एक्सीडेंट के हालात होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो खाली साहब ने बताई, जैसे मोटरिस्ट की बात करें। अभी आप मुझको बताइए कि दोनों तरफ से, मैं ये चाहूँगा कि दोनों तरफ से चीज़ें इक्वली आगे बढ़ें। अभी कुछ चीज़ों पर मशीनरी काम करती है, जैसे फ्लाईओवर्स पे मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग हैं उनको मना कर दिया गया है। अब आप ये बताएं कि एक बंदा है जो कार रखता है, एक बंदा है जो मोटरसाइकिल रखता है, अब आप कहेंगे भाई तू फ्लाईओवर से ना चले जाना, क्यों नहीं चले जाएगा वो? ही इज़ पेइंग टैक्स, ही इज़ पेइंग ऑल द अदर एक्टिविटीज़। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ, ये लोगों के दिलों में अपने आप की इम्पॉर्टेंस, ज़िंदगी की इम्पॉर्टेंस, और साथ में मशीनरी को साथ में लेके चलने की इम्पॉर्टेंस जब तक नहीं आएगी, जब तक उनके दिलों में चीज़ पैदा नहीं होगी कि हम भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है जितनी मशीनरी रिस्पॉन्सिबल है, तब तक ये काम बढ़ेगा नहीं, और इस तरह से काफ़ी हालात दिक्कतें पैदा करेंगे बॉम्बे जैसी सिटी में। लोगों के जहनों में, लोगों के दिलों में ये जान ज़िंदगी की अहमियत पैदा करना और उस अहमियत को इस इंतहा तक पहुँचाना कि लोग एक दूसरे की मदद करें, ये बहुत ज़रूरी है। जैद खालिद भाई, इस हवाले से मेरा आपसे सवाल है कि इस्लाम में सबसे ज़्यादा अहमियत, जहाँ तक मैं जानता हूँ, इंसानी जान को दी गई। ये कहा गया कि, मैंने किसी एक एपिसोड में आप ही की ज़बान से सुना और कहीं पढ़ा भी, ये कहा गया कि अगर किसी एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान की बेसबब जान ले ली तो उसने ऐसा किया जैसे पूरी इंसानियत को मार डाला, और अगर किसी ने किसी इंसान की जान बचा ली तो उसने ऐसा किया जैसे पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो ये जान के हवाले से क्या हमारे आवाम, हमारे लोग
इतने भी जागरूक नहीं है, इतना भी नहीं समझते कि किसी की जान बचाने के लिए 10 मिनट दिए जा सकते हैं, 20 मिनट खर्च किए जा सकते हैं अपनी मसरूफ जिंदगी में से, अपनी दिनचर्या में से थोड़ा सा वक्त निकाल के अगर हम किसी की जान बचाते हैं, किसी को एक्सीडेंट से बचाते हैं, तो हम अल्लाह की नज़र में सुखरूई हासिल करते हैं और हम सारी इंसानियत को बचाने जैसा काम करते हैं। क्या आपकी राय? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। बिल्कुल मुनासिब और बिल्कुल सही बात है जो कैसर खालिद साहब ने कहा कि लोग अपनी मसरूफियात और केयरलेसनेस, और क्योंकि इस झंझट में जाना नहीं चाहते, इस वजह से किसी की जान को जाने देते जो हरगिज़ वापस नहीं आने वाली। कुरान की आयत आपने बिल्कुल सही पढ़ी, सूरह मायदा सूरह 5 आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला ने ये भी कहा, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयान्नास जमीअ, जिसने एक जान को बचा लिया ऐसा है जैसे सारे इंसानों को बचा लिया। अब एक शख्स को ये सोचना चाहिए कि क़यामत का दिन आएगा, इंसानों को अपने किए का बदला मिलेगा, एक तरफ सारी नेकियां होंगी दूसरी तरफ सारे गुनाह होंगे, उसमें ये एक नेकी कि एक जान को बचाया जो सारे इंसानों की जान को बचाने की तरह एक नेकी है, तो वो नेकी किसी के पलहरे में आ जाए, किसी के तराजू में आ जाए, तो कितना बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। जिस चीज़ को लोग थोड़ा इनसिग्निफिकेंट समझते हैं या जान बचा कर चले आते हैं, लेकिन किसी की जान बचाने से उन्हें इतनी बड़ी नेकी मिल सकती थी। पहले तो यहाँ बात यह है कि इसके कई सारे कॉजेज़ होते हैं, ये तो एंड रिज़ल्ट है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के पहले के जो मरहले हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो परसेप्शन ये है लोगों का कि इस टॉपिक पर रिलीजन क्या बताएगा। तो हम इस बात को देखते हैं कि इस्लाम ने सिर्फ नमाज और मस्जिद तक नहीं गाइड किया, बल्कि एक इंसान अपनी जिंदगी में हर पहलू, राइट फ्रॉम द किंग टू द स्वीपर, हर इंसान, राइट फ्रॉम द रूलर टू द सब्जेक्ट, सारे के सारों को अपना रोल कैसे बेहतर अदा करना है, उसमें गाइडलाइंस हमें इस्लाम में मिलती है। क्योंकि ऊपर वाला जो हमारा बनाने वाला है, उसने इंसान को बनाकर ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, उसने उसकी रहनुमाई की। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बल्कि मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बताना चाहता हूँ जिस सिस्टम की वजह से हमारे जो रोड एक्सीडेंट्स जो इतने सिवियर है कि अभी मैंने NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट जो पढ़ी, 2013 की जो रिपोर्ट अवेलेबल है, उसमें आता है कि एवरी डे 337 लोग मर रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स में थ्रू आउट इंडिया। यानी कि समझ लीजिए अगर एक प्लेन क्रैश होता है तो तकरीबन इतने लोग मरते हैं, खाली इंडिया की बात हो रही है। एक प्लेन क्रैश जो हो जाए इंटरनेशनल कहीं पर तो कितनी बड़ी न्यूज होती है। यहाँ पे रोज एक क्रैश के बराबर लोग मरते हैं, हम लोग क्या उसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तकरीबन 1200 से ज्यादा रोज के एक्सीडेंट्स हैं, उसमें से 337 डेथ्स हैं। तो इतनी बड़ी चीज जो हो रही है, मैं आपको कुछ सिस्टम के अंदर बातें बताना चाहता हूँ इस एपिसोड में, जिन्हें अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो ये फिगर ड्रास्टिकली रिड्यूस हो सकता है। एक बहुत अहम बात, और हम सबको एक बिल्कुल खुले जहन से, ओपन माइंड के साथ जायजा लेना चाहिए कि व्हाट थिंग्स कैन इंप्रूव। हर बार ब्लेम गेम या लोगों को दोष देना, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। इंफरादी तौर पर लोगों का एक एटीट्यूड बदलना बहुत जरूरी है। पहला एटीट्यूड तो इसमें यह है, लोग बोलते हैं कि अरे ये सब कंट्री के कानून है। और कई बार हम जानते हैं कि लोग अगर कहीं फंस जाएं और किसी ट्रैफिक हवलदार ने पकड़ लिया है, तो लोग दूसरे रास्ते इख्तियार करते हैं। हालांकि आई हैव सीन अ फतवा जो मजमू अल फिक्ह अल इस्लामिया, जो इंटरनेशनल इस्लामिक फिक काउंसिल है, उसका फतवा है जिसके अंदर 42 कंट्रीज के उलमा और रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो वो बताते हैं कि ऐसी सिचुएशन में अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो ही इज हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल, उसे अपनी वो फाइन पे कर देना चाहिए ताकि ही फील्स अ पिंच, और ताकि अगली बार वो उस चीज को बेटर उससे बचने की कोशिश करे। अच्छा पहलू आपने निकाला, किसी भी रिलीजन और खासतौर पर इस्लाम से जुड़ता हुआ दिखाई देता है कि यानी अगर आप कोई गलती करते हैं रोड के हवाले से और आपको कोई पुलिसमैन रोकता है और आप उसे रिश्वत ऑफर करते हैं, तो आप अपने माशरे को, अपने समाज को बिगाड़ रहे हैं, खराब कर रहे हैं, करप्ट कर रहे हैं अपने सिस्टम। बिल्कुल सही। अल्लाह के रसूल सासम की हदीस है कि अर्राशी वल मुर्तशी, नबी सासम ने रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले दोनों के ऊपर लानत की, और दोनों के दोनों जिम्मेदार हैं। रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वाले दोनों पे लानत, और दोनों इस बात के जिम्मेदार हैं। और हम इतनी छोटी सी बात के प्रॉन्स एंड कॉन्स नहीं सोचते, हम नहीं सोचते कि हम सड़क पे गुजरते वक्त अगर कोई गलती करते हैं और हमें कोई ट्रैफिक का जिम्मेदार पुलिसमैन हमें रोकता है और हमें उस गलती के लिए तंबीह करता है या हमें उस गलती के लिए जुर्माना देने के लिए कहता है, तो हम उसे करप्ट करने पर लग जाते हैं और बाद में उसी पुलिस वाले को या उसी पुलिस डिपार्टमेंट को हम करप्शन का अड्डा बताने लगते हैं, जबकि ये इनिशिएट हमने किया, ये शुरुआत हमने की, और इसके खिलाफ मजहब है, इसके खिलाफ दीन है, इसके खिलाफ हमारा सोशल सिस्टम है, इसके खिलाफ हमारा समाज है। आइए खालिद भाई से पूछते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आमतौर पर देखा यह गया है, मैं भी उस समाज का एक हिस्सा हूँ, कि हम ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं और चले, हम तब तक सीट बेल्ट नहीं लगाते जब तक कोई पुलिसमैन हमें दिखाई नहीं देता। हम गाड़ी के अंदर बैठने के जो दूसरे कानून हैं, जो हमें लाइसेंस लेते वक्त या हमें ट्रैफिक रूल्स सिखाते वक्त या बताते वक्त बताए जाते हैं,
हम उन्हें नहीं फॉलो करते जब तक कि हमें पुलिस में दिखाई न दे। ये हमारे अंदर जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं है? इसके पीछे कौन सा जज्बा है या कौन सी कमी है जिसकी वजह से आम इंसान गाड़ी में बैठते ही फौरन सीट बेल्ट नहीं लगाता और सामने आती हुई गाड़ी को देख के ब्रेक नहीं मारता या हॉर्न पहले बजाता है ब्रेक बाद में मारता है, ऐसा क्यों है? एक तो बहुत बड़ी जो बीमारी हमारे समाज में आ गई है वो है सब चलता है। ये चीज दूसरे के साथ हो सकती है, मेरे साथ नहीं होगी। बहुत अच्छी बात। एक्सीडेंट दूसरे के साथ होगा, मेरे साथ नहीं होगा। मरेगा दूसरा आदमी, मैं नहीं मरूंगा। और यही करते करते एक दिन ऐसा आता है कि जब हम या तो खुद विक्टिम हो जाते हैं या फिर हम उसके जिम्मेदार हो जाते हैं। दूसरी बड़ी बात, मैं समझता हूँ कि जो परवरिश है समाज में, और यहाँ वालिदैन की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है कि हम बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि बच्चा आपका बहुत अच्छा कर रहा है, उसने 10वीं या 12वीं पास कर लिया, हम उसको एक मोटरसाइकिल गिफ्ट करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम पहले उसको एक हेलमेट दें और फिर मोटरसाइकिल दें? क्या बात है, बहुत अच्छी। मैं आपको बीच में रोक के ये बात कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात कैसर खालिद साहब ने कही कि मोटरसाइकिल देने से पहले अगर हम अपने बच्चे को हेलमेट गिफ्ट करते हैं, तोहफे में देते हैं, तो हम अपने बच्चे की जान बचाते हैं और उसके हाथों तबाह या बर्बाद या एक्सीडेंट होने वाले लोगों की जान बचाते हैं, उसको जेल या उसको सजाओं से बचाते हैं। प्लीज। दूसरी बात जरूरी है कि गाड़ी जो है एक मीडियम है कहीं से कहीं तक पहुंचने के लिए। आप इसको अच्छे ढंग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बुरे ढंग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने बच्चे को या हम खुद कोई गाड़ी खरीद रहे हैं तो क्या हमें मालूम है कि गाड़ी सेफ ड्राइविंग के लिए क्या क्या ज़रूरियात हैं? क्या हमने उसका कुछ मुताला किया है या हमने कहीं कोई टेस्ट दिया है या हमने कहीं पे सीखा है? जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस मिलने का सिस्टम है उसके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हमें मालूम है कि बहुत बार ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिलते हैं। मैं उस पर आने वाला था, आपने पहले जिक्र किया, अच्छी बात है, लेकिन मैं पूछूंगा बहरहाल जरूर। तीसरी बात, और जो मैं समझता हूँ कि परवरिश से रिलेटेड बात है, वो ये है कि चूंकि हम अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाते हैं तो उसकी भरपाई हम पैसे देकर करते हैं। मैं अपने बच्चे को वक्त नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं उसको एक डुकाटी की बाइक गिफ्ट करूंगा ताकि वो 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल सके। मैं आज का वाक्य आपको बताता हूँ कि एक साहब लैम्बोर्गिनी ये गाड़ी लेकर ट्रायल के लिए बांदावरली सीलिंग पे गए थे। उन्होंने एक मशहूर चैनल के एडिटर के गाड़ी ऑलमोस्ट टक्कर मारी, 200 किलोमीटर की स्पीड में जा रहे थे, ऐसा बताया गया है। अब अगर हम एक ऐसी गाड़ी खरीद रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है तो हमसे एक्सपेक्टेशन ये है कि हम अपने लॉ को फॉलो करने का मेयार भी उसी तरीके से उठा दें, बड़ा कर दें, ताकि हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करें, ना कि हम खुद किसी मुश्किल और दुश्वारी में फंस करके, जैसे कि आज उन पर केस हो गया, उसके केस को फॉलो करें। तो मुझे लगता है कि समाज के अंदर ये एक फिक्र आनी बहुत ज़रूरी है। पैसा सिर्फ एक वसीला है, ये कोई शो ऑफ का ज़रिया नहीं है। हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम जब तक चीज़ों को डिसिप्लिन से, एतदाल से, उसके जो तरीके फिक्स कर दिए गए हैं उस हिसाब से नहीं चलाएंगे तो वो हमको नुकसान देगी। आपको मालूम है कि हैदराबाद में एक बाइक लेकर के दो नौजवान चल रहे थे, डुकाटी, एक बहुत मशहूर पर्सनालिटी, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, दोनों बच्चे वहीं पे फेटली ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। अब मुझे आप बताइए कि अगर हम इन चीज़ों से नहीं सीखेंगे, सबक नहीं लेंगे, हमारे पेरेंट्स नहीं सीखेंगे और हम खुद नौजवान इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि 5 मिनट बचाने के लिए हो सकता है कि उम्र का सफ़र ही हमारा ख़त्म हो जाए, एक दिन ऐसा हो सकता है कि हम हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो एक अपने अंदर जो सेल्फ कंट्रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की लाइफ फ्रस्ट्रेटिंग है, इसमें बहुत सारी दुश्वारियाँ और प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैसे ही हमको मौका मिले हमने लॉ तोड़ देना चाहिए, रूल तोड़ देना चाहिए। अभी रमन भाई ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की कि जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पेडेस्ट्रियन के क्रॉसिंग के लिए है, वो गाड़ी खड़ी करने के लिए नहीं है। हम गाड़ी वहाँ खड़ी करेंगे तो जो क्रॉसिंग करने वाला बंदा है पैदल है और हमसे इस्तेदाद के मामले में उस वक्त तो कमतर है कि उसके पास गाड़ी नहीं है। तो दुनिया का उसूल ये है कि पेडेस्ट्रियन फर्स्ट, पूरी दुनिया में। मैं आपकी बात काट रहा हूँ और ये इसी हवाले से सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने ये देखा है, हिंदुस्तान से बाहर में जाता हूँ, मिडल ईस्टर्न ममालिक में या यूरोपियन ममालिक में, तो वहाँ देखता हूँ कि जहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, सिग्नल हो या ना हो, लोग वहाँ पर पैदल लोगों को देख के अपनी गाड़ियाँ रोक लेते हैं और उनको पहले जाने के लिए स्पेस देते हैं, जगह देते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? उसूल तो दुनिया भर का यही है कि पेडेस्ट्रियन को हमेशा प्रायोरिटी मिलेगी किसी भी मोटरिस्ट से। और अभी जैद भाई बात करेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है दीन की, ये है कि जो ज़्यादा अच्छे इस्तात में है, ज़्यादा अच्छे हालात में है, उसने अपने से कमतर हालात वाले के लिए रास्ता आसान करना चाहिए। पूरी दुनिया में पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग हमेशा एट ग्रेड होगी, मतलब कि वो सीधा सीधा चलेगा और गाड़ी वाला या तो ऊपर से जाएगा या नीचे से जाएगा, वो अंडरपास से जाएगा या फ्लाईओवर से जाएगा। पेडेस्ट्रियन हमेशा
ग्रेड पे ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की, पहले अंडर पासेज होते थे पैदल चलने वालों के लिए और गाड़ी ऊपर से जा रही होती, बहुत अच्छी बात। ये दुनिया का उसूल है, लेकिन बदकिस्मती से हमने उस चीज को यहाँ पे उतना फॉलो नहीं किया है। अभी ये बात चल रही है, अभी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वहाँ पे ये बात हो रही है कि कुछ एरियाज को जहाँ पे पेडेस्ट्रियन बहुत ज्यादा आते हैं उसको बिल्कुल वॉकवे बना दिया जाए और वहाँ पे गाड़ियों के आमोदरफ्त को घटा दिया जाए। जैसे CST जंक्शन एक इलाका है, जैसे कुछ मरीन ड्राइव या कुछ इलाके हैं जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमको ये बात को समझना पड़ेगा कि पेडेस्ट्रियन हमारे समाज का एक हिस्सा है और हमको उसके बारे में ज़्यादा, जिसको कहते हैं, जागरूक होना, अवेयर होना चाहिए। मैं सिडनी गया था कुछ दिन पहले, सिडनी में और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में ये सिस्टम है कि अगर आपको क्रॉस करना है तो वहाँ पे एक बजर किस्म लगा होगा, आपने उसको दबाया और रेड सिग्नल हो गया, आप क्रॉस कर लीजिए, हमेशा आपको प्रायोरिटी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारी समझदारी, हमारे बच्चों की परवरिश, उसके साथ वक्त बिताना और उसको ट्रेन करना और उसको एक जिम्मेदार शहरी बनाना, इससे जुड़ी हुई चीज़ है। जो फ्रस्ट्रेशन है सोसाइटी में, उस फ्रस्ट्रेशन को चैनलाइज ऐसे करना पड़ेगा कि वो लॉ ब्रेकिंग में नहीं हो। अभी मैं दुबई गया था तो मेरे दोस्त ने एक वाकया सुनाया कि एक साहब एक जगह पे था, टर्न था, तो उन्होंने वहाँ पे जो कांस्टेबल था उसको बताया कि मैं अगर ये शॉर्टकट मार लूँ तो क्या होगा। उन्होंने कहा लॉन्ग कट फ्री है और शॉर्टकट जो है 150 दिरहम का है, चॉइस इज योर्स, कि जैसे ही आपने शॉर्टकट लिया 150 दिरहम फाइन हो गया। दुबई में सिंगल जंपिंग का फाइन है 5,000 दिरहम, जी जी, जो कुछ 85,000 रुपये के आसपास आते हैं। मैं पे कर चुका हूँ। तो ये जो मामले हैं ना, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा बच्चा अगर कहीं गलती करता है या हम खुद गलती करते हैं तो हमको खुद एहतसाबी करनी चाहिए कि भाई मेरी गलती है कि रोड की गलती है। बहुत अच्छी बात, बड़ी अच्छी गुफ्तगु हो रही है नाज़रीन, ट्रैफिक के हवाले से और रोड एक्सीडेंट्स के हवाले से, ट्रैफिक डिसिप्लिन के हवाले से बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं जनाब कैसर खालिद साहब। कैसर साहब ने हमको बताया कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारी परवरिश में हिस्सेदारी होनी चाहिए इस बात की कि हम अपने बच्चों को, अपनी औलादों को, अपने आसपास मौजूद उन लोगों को जो हम पे डिपेंडेंट हैं, जो हमारी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं, हम उनको ये बताएं, हम उनको ये सिखाएं कि रोड सेफ्टी क्या है और रोड डिसिप्लिन क्या है। आइए इस हवाले से अब्दुलरहमान साहब से मेरा एक सवाल है। अब्दुलरहमान साहब, मैं जानना ये चाहता हूँ, अभी जैसा कैसर खालिद साहब ने कहा कि इसे परवरिश का हिस्सा होना चाहिए, परवरिश में हम इस बात को शामिल करें, क्योंकि आप बहुत करीब से समाज को देखते और बरतते हैं, हम परवरिश में बात को शामिल करें, अपने बच्चों को ये बताएं कि रोड सेफ्टी क्या है, रोड क्रॉसिंग क्या है, वगैरह वगैरह। उसके साथ साथ एक चीज़ जो हमारी नज़र में आती है वो ये है कि जो हमारा लाइसेंसिंग निज़ाम है, हम जब लाइसेंस लेने जाते हैं, मैंने खुद दूसरे ममालिक में लाइसेंस लिया, लाइक दुबई में मैंने लाइसेंस लिया, यकीन कीजिए कि मेरा हाई स्कूल का एग्ज़ाम जो था वो मुझे आसान लगने लगा उस लाइसेंस लेने के प्रोसेस के दरमियान। और उस हवाले से मैं नाज़रीन आपको एक बहुत अच्छा किस्सा भी बताना चाहूँगा कि मेरा एग्ज़ाम था वहाँ, और एग्ज़ाम में एग्जामिनर ने मुझसे ये कहा कि टेक लेफ्ट वहाँ, क्योंकि हमारी यहाँ की तरह राइट हैंड ड्राइव नहीं होता, लेफ्ट हैंड, टेक लेफ्ट। मैंने दौड़ से लास्ट लेन से इस लेन में आया और लेफ्ट जाने के लिए 2 लेन होती, मैंने एकदम लास्ट वाली लेन में आके लेफ्ट लिया। उन्होंने कहा गाड़ी रोक दीजिए साइड, मैंने रोक दी, मैंने कहा व्हाट हैपेंड, बोले यू आर फेल, मैंने कहा व्हाट फॉर, ये तो देट वॉज द लेन फॉर यू टर्न नॉट फॉर लेफ्ट, दिस वॉज फॉर लेफ्ट, देट वॉज फॉर यू टर्न। मैंने कहा साहब पब्लिक तो जा रही है, कहने लगे दे कैन फ्लाई ओवर द ट्रैफिक, दे हैव लाइसेंस, यू डोंट हैव, यू कैन नॉट फ्लाई। तो क्या हमारा जो ये लाइसेंसिंग निजाम है, लाइसेंसिंग निजाम कहीं इसमें फॉल्ट है? और मैं आपकी बात शुरू होने से पहले दूसरा एक्सपीरियंस यहाँ का सुना दूं कि मैंने हिंदुस्तान में जो सबसे पहला लाइसेंस लिया था, आप यकीन कीजिए उसका फॉर्म भी नहीं भरा था। मैं अपना एक्सपीरियंस, वहाँ बेचारे जो जूनियर स्टाफ था वहाँ साहब ने वो फॉर्म, मेरे अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से फॉर्म भी उसे भरवा दिया। तो कहीं ना कहीं ये हमारी परवरिश और ये हमारा जो निज़ाम है, इन दोनों की कमी है या इन दोनों में कोई टकराव है, या हम सीखना नहीं चाहते या बच्चों को सिखवाना नहीं चाहते, या हमारा जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है या लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट है या RTO डिपार्टमेंट है वो भी इस बात की अहमियत को नहीं समझता कि लाइसेंस कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो किसी बच्चे को, किसी नौसिखिए को, नए ड्राइवर को दिया जा रहा है। जब हम एक महीने का उसको लर्निंग लाइसेंस देते हैं तो उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, फिर उसके बाद जो दूसरा लाइसेंस क्या जिम्मेदारियां हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये कमी हो कहां रही है? देखिए आप इसकी शुरुआत देखें, मैं जनरली सभी पहलुओं पे नजर डालना चाहूंगा। सबसे पहले आप देखें स्कूल्स जो बॉम्बे में है वो ऐसी जगहों पर है जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है। अब वो सबसे पहले स्कूल वालों की जिम्मेदारी होती है कि जो तालीम बच्चों को दे रहे हैं किस हालात में दे रहे हैं। आप देखिएगा एक रिक्शा के अंदर 10 बच्चे बैठ के स्कूल पहुंचते हैं, एक कार के अंदर 8 बच्चे बैठ के स्कूल पहुंचते हैं, एक बस के अंदर जिसकी कैपेसिटी
12 की है या 15 की है, वहां पे 50 बच्चे घुसते हैं अंदर। आप खुद गौर कीजिएगा, एक 10x10 के कमरे में मैक्सिमम आदमी कितने रह सकते, मैक्सिमम आप सोचेंगे तो 15, अब उसके अंदर अगर 50 डाल देंगे तो यू विल फाइंड सफोकेशन ऑन दैट। अब हमारा निज़ाम बाद में आता है, पहले हमारा जो अतराफ के लोग हैं, जैसे अभी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, ये रोड सेफ्टी पर बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि तालीम दें, ऐसे मैं समझता हूँ। क्योंकि वहाँ से अगर शुरुआत होती है, एक खाली साहब ने कहा कि बाइक देने के पहले आप हेलमेट दीजिएगा, वो बच्चा खुद हेलमेट मांगेगा वालिद साहब से कि भाई मुझको पहले हेलमेट दीजिएगा फिर बाइक लेके दीजिए। क्योंकि अगर वो समझता है, स्कूल में वो तालीम हासिल करता है, तो उसको पता चलता है कि ज़िंदगी कितनी ज़रूरी है, कितनी अहमियत रखती है। अब स्कूल के बच्चे आप देखें, इतने रिस्क से स्कूल जाते हैं, तो आप सोचें उनमें अवेयरनेस कैसे आएगी, आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि उनको लगता है कि बचपन से हम रिस्क में जा रहे हैं, वो क्रॉस कर रहा है, वो उसको धक्का मार रहा है, वो उसको गाली गलौज कर रहा है और स्कूल पहुँच रहा है। वापसी में भी वही हालत है कि घर में पहुँचे तो भले बहुत अच्छा हो गया, आज का दिन निकल गया। अब इस तरह के माहौल में आप, मैं ये समझता हूँ कि स्कूल वालों को ये चाहिए कि एक सब्जेक्ट रखें बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को तालीम दी जाए कि रोड क्रॉसिंग क्या है, सिग्नल्स क्या है। क्योंकि स्कूल में तालीम होती है, बच्चा सीखने शुरू करेगा तो वो घर वालों के लोगों को भी एजुकेट करेगा। बेसिकली आप देखिए, किसी बच्ची को अगर होम साइंस सिखाया जाता है, वो इसके लिए सिखाया जाता है कि वो जिस घर में जाए शादी कर, वहाँ के लोगों को अगर पता नहीं है तो उनको एजुकेट करे। सो बेसिकली यू आर डेवलपिंग वन फीमेल एंड मेकिंग देम स्प्रेड इट टू 10 पीपल ऑफ द फैमिली। इस तरह से ये एजुकेशन अगर आप स्कूल्स में देना शुरू करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये अवेयरनेस बहुत जल्द लोगों तक फैलेगी और आगे बढ़ेगी। रहमान साहब का ख्याल है कि घरों के अलावा स्कूल से और हमारे तालीमी निज़ाम है उसको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो रोड सेफ्टी के हवाले से बच्चों को सिखाएं। सर मैं आपको इसको और एक थोड़ी सी बात जो आपने रुकी हुई है वो ट्रेनिंग स्कूल्स की है। सभी लोग बाहर गाँव जाते हैं और वहाँ पे भी लाइसेंस लेते हैं, जैसे नॉर्मल निज़ाम है वहाँ का। आप देखिएगा हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो इन स्कूलों के ऊपर मॉनिटर रखे कि ये किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं, कौन सी गाड़ियों से ट्रेनिंग देते हैं। ऐसी गाड़ियों में ट्रेनिंग देते हैं जिसका एक ही गियर चलता है, अब वो सिखाएंगे क्या? बिकॉज बेसिकली यहाँ पर इट्स बिकम अ बिजनेस, ट्रेनिंग स्कूल इज बिकम बिजनेस। जो इंपॉर्टेंस हम लाइफ को दे रहे हैं वो शुरुआत वहां से होती है। अगर आप गलत लोगों के हाथ में लाइसेंस देंगे कि वो बगैर किसी मॉनिटरिंग के सिखाते हैं और बोलते हैं ठीक है लाइसेंस देते हैं, और फिर आपने जैसे कहा कि मेरी पहचान थी तो मेरा काम हो गया। हर इंसान को चाहिए कि अपनी पहचान सही जगह के लिए इस्तेमाल करे। मैंने क्राइम किया, वो मेरी गलती बहुत बड़ी है उसमें, लेकिन शायद आई वाज नॉट मैच्योर्ड एनफ, या मुझे मेरे बड़ों ने या मेरे स्कूल ने जैसा आपने कहा ये बताया नहीं था कि तुम्हें पहले ये एग्जाम देना चाहिए। बल्कि मैंने जब दुबई में जाके ये एग्जाम दिया तो मुझे बुरा लगा ये इम्तिहान। सही है, फ्रेंकली स्पीकिंग बुरा लगा मुझे इम्तिहान, कि इम्तिहान क्यों दिया जा रहा है। मैं आपके पास, हमें यहाँ पर ये बॉडी क्रिएट करनी पड़ेगी जो ट्रेनिंग स्कूल्स के ऊपर मॉनिटरिंग रखे, जैसे ट्रैफिक डिपार्टमेंट होगा वो इस पर और गौर करके इसको डेवलप करें, ताकि वो जो लोगों को गाड़ियां सिखाएं उनको ये पता चले कि साइंस क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, स्पीड लिमिट क्या होती है, हाइट्स क्या होती है। आप देखिए खार सब्वे है, उसकी एक हाइट लिमिट है कुछ 4 मीटर, 4.5 या 5 मीटर की है। टेम्पो फुल लाद के 6 मीटर वाला घुस जाता है उसके अंदर, वो क्या हो गया, अटक गया वहां पर, रुक जाता है, मतलब ट्रैफिक के लिए दिक्कत होती है। अब ये सब कब होगा, जब उनको पता चलेगा। अभी वो बोलेगा मैं तो बॉम्बे का नहीं हूँ, मैं आंध्रा से आया हूँ या मैं किसी और स्टेट से आया हूँ। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज यू हैव टू एजुकेट देम, राइट। अब यहाँ बड़ी अच्छी बात आपने कही, और इस हवाले से मैं एक वाक्य बताता हूँ, वहीं दुबई का मेरे किसी मित्र के साथ हुआ। उनको लाइसेंस लेना था और उनका एग्जाम, एग्जामिनर ने उनसे कहा कि भगाओ 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 भगाओ, अरबी बोलता है उनसे, भगाओ भगाओ, वो भगा रहे, कहते टेक लेफ्ट, लेफ्ट लिया, स्टॉप द कार, यू आर फेल, व्हाट फॉर, दिस इज नो एंट्री, आप नो एंट्री में कैसे है? सर आपने बोला, बोले कि कोई बोलेगा तो जाओगे, यू आर फेल फॉर दैट, कोई साथ में बैठा बंदा आपको बोलेगा तो आपके पास आऊंगा मैं। इस ट्रेनिंग स्कूल के ऊपर कुछ चेक को रेगुलरिटी सिस्टम हो। मैं इसमें दो बात ऐड करना चाहूंगा जो रमन भाई ने बताई, कि एक तो उन्होंने स्कूल एजुकेशन के सिलसिले में गुफ्तगु की है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं RSP, रोड सेफ्टी पेट्रोल। अगर आप 26 जनवरी की परेड देखते होंगे तो 26 जनवरी की परेड में आपको 4 प्लेटून ऐसे मिलेंगे जो स्कूली बच्चों के होते हैं, जो रोड सेफ्टी पेट्रोल के होते हैं। आज मुंबई शहर में तकरीबन 500 के आसपास ऐसे स्कूल हैं। हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जिसको हम एजुकेशन डिपार्टमेंट कहते हैं, हमारे लोग जाते हैं, वो बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चों को रोड पर कैसे चलना चाहिए, सिग्नल्स कैसे होते हैं, क्रॉस कैसे करना चाहिए। और हमारे पास 2 ट्रैफिक पार्क भी है। अगर आप कुपरेज फुटबॉल ग्राउंड को देख रहे होंगे तो उसके बगल में जो है एक ट्रैफिक पार्क है, एक ट्रैफिक पार्क हमारा घाटकोपर में है, तो वहाँ पर बाजाबते सिग्नल लगे होते हैं, वहाँ बाजाबते लोग जाते हैं और हम उनको ट्रेन करते हैं। तो ये है, लेकिन इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। आज इस शहर में अंदाजन 2000 स्कूल हैं, अगर हम 500 स्कूलों तक पहुंच पाएँ इसका मतलब है कि 75% अभी नहीं हम पहुंच पाएँ, तो हमको उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। सेकंड, जो कि इन्होंने ड्राइविंग स्कूल की बात की, हमारे इंडियन पुलिस सर्विस के
ट्रेनिंग के दौरान हमें मोटर ड्राइविंग भी सिखाया जाता है क्योंकि वो एक ज़रूरी इल्म है। तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस कहीं गुम हो गया था, तो अभी मैंने फ्रेश अप्लाई किया है और मैं खुद एग्ज़ाम देने के लिए तारदेव में जो RTO है वहाँ पर गया और उसमें से 10 सवाल होते हैं और अभी जो सिस्टम है उसमें से 2 सवाल तो एक तो वक्त की वजह से मेरे छूट गया और एक सवाल शायद गलत हो गया। तो अब कंप्यूटर बेस्ड हो गया है, ऐप बेस्ड हो गया है, तो कई चीज़ें हो रही हैं। लेकिन सिर्फ जो एक बात है और ज़रूरी बात यहाँ पे क्या है कि जब हम चीज़ों को बदलते हैं तो वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम इंडिया के बारे में बात करते हैं कि 120 करोड़ लोग जहाँ पे हैं और यहाँ सिर्फ 1 करोड़ लोग हैं, वो कंपेरेबल नहीं हो सकते। मुंबई शहर में करीब 25 लाख गाड़ियाँ हैं, 25 लाख गाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए एक हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट का अमला है, वो करीब 3300 लोगों का है, और जो RTO है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का है, उनके 3 या 4 ऑफिसर्स हैं और हाईली अंडरस्टाफ्ड हैं जो हमारी जानकारी है। तो क्या होता है कि हमको ये जो डिपार्टमेंट है RTO का, उसको सिर्फ एक रेवेन्यू जेनरेटिंग डिपार्टमेंट ना समझते हुए वो लोगों की लाइफ और सेफ्टी से कंसर्न और कनेक्टेड डिपार्टमेंट है ये समझ करके हम उसको अगर ट्रीट करेंगे तो मुझे लगता है कि जो हमारी अभी डिफिशेंसी है वो हम उसको भर पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और हमने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को, हमारे पूरे निज़ाम या सिस्टम ने एक रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट समझ लिया है, इसकी बजाय हमें उसे किसी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरह एक लाइफ सेविंग डिपार्टमेंट समझना होगा, एक ऐसा डिपार्टमेंट समझना होगा जैसा कि हमें जैद खालिद भाई ने बताया कि 350 लोगों की योमिया यानी रोज़ाना मौत को जिसके ज़रिए कम किया जा सकता है। जैद खालिद भाई, मैं आपके पास आता हूँ। जहाँ से उसके पहले मैं आपको फिर माफ़ी चाहता हूँ, एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, जो एम्बुलेंस की जो बात कह रहे हैं हम लोग, उसमें मैं आऊँगा, आपके पास आऊँगा, उसमें आऊँगा और बाकायदा आपके पास भी आऊँगा और कैसर भाई के पास भी आऊँगा। उससे पहले मैं जैद भाई आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि क्या ये जो हमारे मजहबी निज़ाम हैं, जैसा कि आप पहले भी कई प्रोग्राम में बोल चुके हैं कि मजहब जो है, इस्लाम जो है, वो कोई खाली नमाज पढ़ने या रोज़े रखने का नाम नहीं है बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का नाम है। वो आपको पैदा होने से लेकर आपकी मौत तक, सो के उठने से लेकर वापस सोने तक तमाम ज़िंदगी के आदाब सिखाता है, ट्रेनिंग देता है। क्या उस पूरी ट्रेनिंग में कहीं ये ट्रैफिक की ट्रेनिंग की जगह है? क्या ऐसा मुमकिन है कि हमारा इमाम मस्जिद में जुमे के दिन खुतबे से पहले लोगों को ये बताए कि ट्रैफिक की अहमियत क्या है और ट्रैफिक की दिक्कतें क्या है और किस तरह से इसमें होने वाली इतनी बड़ी अमवाद, यानी 1200 एक्सीडेंट रोज आपने अभी बताया और 350 उसमें से लोग मर जाते हैं, इनको किस तरह बचाया जा सकता है? क्या ऐसा कोई निज़ाम नहीं है या हो सकता नहीं है? इससे पहले कि मैं जवाब दूं, बहुत जरूरी है कि मैं उसकी कुछ दलायल, इसीलिए तो प्रूफ्स में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस्लाम ने जान बचाना बहुत अहम रखा है और हम ये देखते हैं कि एक्सीडेंटल डेथ मतलब बाय मिस्टेक किसी से कोई एक्सीडेंट हो गया, गलती से हो गया और वो गलती से सामने वाले की मौत हो गई लेकिन किसी के हाथों हो गई, गलती ही थी, तो गलती थी तो भी उसके अंदर हम देखते हैं कि 2 चीज़ें उसे देनी पड़ेगी। नंबर 1 तो उसे दियत देनी होगी और दियत जो है उसके बारे में अगर आप देखें जो ब्लड मनी जिसे कहते हैं, या तो 1000 दीनार्स, 1 दीनार है 4.25 ग्राम का, 1000 दीनार्स हो गए 4.25 किलो सोना, दियत 4.25 किलो सोना, 1 सिस्टम। सेकेंड सिस्टम था 100 कैमल्स, 1 कैमल तकरीबन 1.25 लाख 75,000 का आता है अप्रॉक्सीमेटली, तो 100 कैमल्स आप देख ले तो कितना हो गया अप्रॉक्सीमेटली, हाँ 1.25 करोड़। अब हम ये देखते हैं ये सिस्टम अप्लाई किया जाएगा तो ये है ब्लड मनी जो उसे देना है सामने वाले की फैमिली को, और इस चीज के बारे में कोई इख्तलाफ भी नहीं है स्कॉलर्स में, मतलब सारे स्कॉलर्स में इख्तलाफ भी नहीं है। और हम देखते हैं इब्न मुंजिर ने अपनी किताब में जमा किया है कि स्कॉलर्स के अकवाल के साथ कि जो बात मैं अभी बोलने वाला हूँ उसके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। एक्सीडेंटल डेथ में ये जो पेनल्टी पे करनी है दियत, ये खाली जिसके जरिए वो एक्सीडेंट हो गया वही नहीं बल्कि अकेला जो है, यानी कि उसके पूरे सारे मेल रिलेटिव्स हैं, यानी उसके वालिद साहब, उसका बेटा, उसके भाई, उसके चचा, उनका बेटा, ये लोग सब मिलके देंगे डिपेंडिंग ऑन देयर फाइनेंशियल स्टेटस, डिपेंडिंग के कितने करीबी रिश्तेदार है उसके फाइनेंशियल, कोई अमीर है तो उस मुताबिक देगा, जज वो रूलिंग करेगा, गरीब है उस मुताबिक देगा, सबके ऊपर होगा। मतलब अब सबके सब एक सोशल प्रेशर उस पर बिल्ड करेंगे कि अरे भाई जरा संभाल के गाड़ी चलाओ। और इस बारे में कोई इख्तलाफ भी नहीं। अब आगे हम ये देखते हैं कि ये जो बात कि पहले तो आदमी एक्सीडेंटल डेथ के अंदर मैंने बताया 2 चीजें हैं, दूसरी चीज कफारा। अब कफारा तुमने किसी इंसान की जान ली, अब उसके अंदर तुम्हें अल्लाह के सामने भी तुम गिल्टी हो, वो इंसान की फैमिली के सामने भी गिल्टी हो, इसके लिए तुमने दियत दिया, लेकिन जो अल्लाह के सामने गिल्टी हो उसका क्या? तो उसके अंदर 2 ऑप्शंस है। फर्स्ट चीज है या तो गुलाम आजाद करो, और गुलाम आजाद करना उस जमाने में यानी कि तकरीबन लाखों का खर्चा समझ लीजिए आज के जमाने का। और सेकेंड ऑप्शन के गुलाम अगर आजाद नहीं कर सकते तो 2 महीना कंटिन्यूस रोजा,
यानी अगर 2 महीने कंटिन्यूस फास्टिंग में एक दिन भी मिस हो गया तो फिर से स्टार्ट करो। अब वो चीज के अंदर आदमी चलाने में कितना कॉशन होगा, लेकिन हमारे समाज में क्या हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी कवर कर लेगी। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो इतने बड़े फिगर्स है एक्सीडेंट्स के, इसमें एक बहुत बड़ा हाथ शायद हमारे इस सिस्टम का भी है, जिसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी, आदमी को कोई फिक्र नहीं, गाड़ी भी मिल जाएगी, गाड़ी के पैसे भी मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम ये बात को एक क्वेश्चन करते हैं कि क्या हो रहा है, अगर उसकी पेनल्टी उसके ऊपर है तो फिर कितना आदमी खुद ही कॉशन के साथ चलाएगा, तब उसको सारे रूल समझ में आएंगे। यहाँ ये जो रूल समझ में नहीं आते, अरे ये सिग्नल तोड़ने में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ क्या है, हर एक इंसान को खुद समझना जरूरी नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, जो रूलर्स है उस जगह के, दे नो कि यहाँ पार्किंग नहीं करना है, तो यू हैव टू फॉलो द रूल। अब हम देखते हैं कि सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ईमान के 70 ब्रांचेस हैं, और उनमें से एक ब्रांच ये है कि रस्ते में आई हुई कोई परेशानी को तुम दूर कर दो, ये भी ईमान का हिस्सा है। और अगर पार्क कर दो कोई रॉन्ग जगह पर जिसकी वजह से कंजेशन हो गया, तो ये क्या ईमान से टकरा नहीं रहा है? सरासर टकरा रहा है ईमान से, सरासर। बहुत अच्छी बात है जैद भाई ने बताई, और कमाल की बात बताई कि आपने अगर अपने बच्चों की गलत परवरिश की है तो आपको उसका तावान भुगतना है, यानी उसका जो फाइन है उसमें हिस्सेदारी आपकी है। कैसर भाई, क्या इस तरह का कोई निजाम हमारे सिस्टम में है, यानी हमसे अगर कोई गैर इरादतन एक्सीडेंट में मौत हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, जैसे हम केसेस सुनते रहते हैं, हाई प्रोफाइल केसेस सुनते रहते हैं या दूसरे केसेस सुनते हैं, तो क्या इस तरह के केसेस में हमारे कानून में कोई ऐसा प्रावधान है जो इंसान को इंश्योरेंस के अलावा कोई ऐसी सख्त सजा दे जिससे वो दोबारा ये काम ना करे या वो उससे लापरवाही ना हो? इसमें अगर हम लीगली देखेंगे तो जो सेक्शन है, देखिए जैद भाई ने जो बात की वो है गैर इरादतन, जिसको हम 304A सेक्शन में कवर करते हैं। गैर इरादतन ये होता है कि चीज़ें आपके बस में नहीं थी और हो गया। जैसे अब ये समझ लीजिए कि मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ और अचानक कोई आदमी क्रॉस कर रहा है और मैंने ब्रेक भी मारा, सब कुछ हुआ, लेकिन टक्कर हो गई, तो इसमें गैर इरादतन है। लेकिन अगर हम शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, तो इसमें चूँकि शराब जो है आदमी के जो रिस्पॉन्स सिस्टम है उसको कम से कम 3 गुने से कम कर देती है। एक जो रिस्पॉन्स आदमी करता है, अगर आप ये देख लीजिए कि 1/30 सेकंड के फासले से अगर कोई चीज़ें हो रही हैं तो हमको फ़र्क नहीं समझ में आएगा। जैसे मूवीज़ होती है, फ्रेम जो है 1/30 सेकंड के अंदर अंदर चेंज हो जाती है, तो हमको कंटिन्यूस लगती है। शराब जो है उसको 3 गुने से कम कर देती है, 1/30 को 1/10 कर देगी। मतलब कि अगर हम ब्रेकिंग डिस्टेंस समझिए कहीं 50 मीटर है मेरा, तो शराब की हालत में मुझे कम से कम 150 मीटर का ब्रेकिंग डिस्टेंस चाहिए, और ये एक लग्जरी है जो मिलेगी नहीं, क्योंकि 150 मीटर से अगर आप देख ही लेंगे तो आप गाड़ी को रोक देंगे, आप देख नहीं पाएंगे 150 मीटर से। तो अभी मुंबई पुलिस ने, आपने देखा होगा कि कई ऐसे केसेस में कल्पेबल होमसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो 304A है उसमें सज़ा 2 साल की है और इसमें सज़ा 10 साल तक की है। तो कई केसेस में हम लोगों ने ये लगाया जहाँ हमें मालूम है कि ये साहब शराब पिए हुए थे और फिर भी गाड़ी चला रहे थे, तो उसमें फिर गैर इरादतन का अंसुर ही खत्म हो गया। शराब पी के इरादा जी जनाब, आपने अगर शराब पी गाड़ी चलाई, इसका मतलब है कि आपको मालूम है कि आप अपने बस में नहीं हो और उसके बावजूद आप गाड़ी चला रहे हो, ना सिर्फ कि लीगली ऑफेंस है बल्कि ये आपको एक्सीडेंट की तरफ ले भी जाएगा। तो इसमें हम बहुत बार इसको 304A Part 2 ये लगाते हैं इंडियन पिनल कोड का, जिसमें कि ज़्यादा सज़ा है। दूसरी बात जो है, यहाँ पे अगर एक्सीडेंट होता है तो ना सिर्फ कि ड्राइवर बल्कि उसके ओनर की भी लाइबिलिटी होती है। ये अगर ओनर खुद ही गाड़ी नहीं चला रहा है, उसका ड्राइवर चला रहा है, तो तब भी ओनर की लाइबिलिटी आती है, विकारियस रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो भी उसमें शामिल होता है। तीसरा ये है कि इंश्योरेंस का जो सिस्टम है ग्लोबली, उसमें यह है कि अगर आपने कोई एक्सीडेंट नहीं किया और आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया, तो आपको उस पर एक डिस्काउंट मिलता है। कई सालों का आपका गुड बिहेवियर रहेगा तो आपका प्रीमियम घट जाएगा, और आपने अगर क्लेम किया है, आपने गलती की है, तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो एक डायनेमिक सिस्टम भी है। तो लॉ में ऐसे प्रोविजन्स हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम इस बात को समझें कि कौन सा गैर इरादतन है और कौन सा इस हालत में है। और अब जो अवेयरनेस आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन में भी, उसमें अब ये देखा जा रहा है कि अगर शराब के नशे में है आदमी, तो हम अमूमन उसको 304A Part B में, जिसमें कि ज़्यादा सज़ा है, उसमें चार्ज करते हैं, उसमें गैर इरादतन का हिस्सा ही ख़त्म हो जाता है। तो आपने ऐसी हालात पैदा किए, इतने डेंजरस कंडीशन में आप ड्राइव कर रहे थे कि इससे एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी। तो इस हिसाब से कई चीज़ें चेंज हो रही हैं, और मुझे लगता है कि जिस किस्म के एक्सीडेंट हम देखते हैं और मीडिया में पढ़ते हैं, बहुत जल्द लीगल सिस्टम में भी कुछ इसमें चेंजेस होंगी। यानी कानून है हमारे पास और काफ़ी हद तक कानून है, लेकिन हम ज़ाती तौर पर कानून की परवाह नहीं करते और कानून वाले भी शायद ठीक तरह से उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, जिसके नतीजे में
ये क्योस फैलता है जिसके नतीजे में समाज में इस तरह की बुराई पैदा होती है जो रैश ड्राइविंग की तरह, जो ड्रंक एंड ड्राइविंग की तरफ और जो एक्सीडेंट की तरफ हमको लेके जाती है। मैं इजाफा करना चाहूंगा, इस्लाम ने तो ये सिखाया कि जो हम होर्डिंग्स देखते हैं ना, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, राइट? तो डोंट ड्रिंक, ड्राइव निकाल दो, डोंट ड्रिंक एट ऑल, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। फाइनली क्या होता है कि कोई इंसान जो ड्राइव किया ड्रिंक करके, तो ड्रिंक किया हुआ है वो खुद के कंट्रोल में कितना है कितना नहीं है। और हम देखते हैं कि जितने भी ड्रंकार्ड्स भी होते हैं जिनका प्रॉब्लम बन गया है ड्रिंकिंग, वो कभी भी जिंदगी में जब उन्होंने शुरुआत की तो ये सोच के तो नहीं किया था कि मैं एक दिन जाके ड्रंकार्ड बनना चाहता हूँ। और जो अल्कोहल लेवल्स को दिखाया जाता है, तो हम ये देखते हैं कि ये एक बहुत अहम बात है कि क्यों ये सिस्टम रहने दिया जा रहा है जबकि इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और हमारे एक्सीडेंट्स कितने सारे, और बहुत मेजर रीजन ड्रिंकिंग है ड्राइविंग में, और जहाँ इरादतन डेथ की बात है। जैसे मिसाल के तौर पर स्कॉलर्स ने यहाँ तक भी रूलिंग दी है, वो बताते हैं कि अगर कहीं पे रोड में स्पीड लिमिट्स है सेट, वो स्पीड लिमिट से ज्यादा आगे कोई बढ़कर चलाता है, विच ही शुड नॉट डू, और वो चलाता है और अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो एक्सीडेंट के अंदर सामने वाला जो मरा है वो एक्सीडेंटल डेथ वाली बात नहीं है, ये मर्डर है। और अगर ये खुद मर गया, बोले मेरी जाने में कुछ भी करूं, जैसे आज के बहुत सारे नौजवानों में मिलता है जो एक काइंड ऑफ किक उन्हें लगता है उन्हें मिला फास्ट ड्राइविंग से, एक टाइप ऑफ कैसे क्या कहा जाता है कि बिल्कुल रगों में खून दौड़ने लगता है। तो यहाँ ये बात है कि इसमें अगर मर गए तो ये सुइसाइड, दिस इज सुइसाइड, क्योंकि तुम्हें पता था ये स्पीड लिमिट नहीं क्रॉस करनी थी, लेकिन ये अल्लाह के नज़दीक, और अल्लाह के नज़दीक हमें पता है कि सही बुखारी की हदीस है कि जो अपनी जान लेता है, जो खुद अपने आप को मारता है, ये जान हमारी दीवी नहीं है, अल्लाह की दीवी है, अमानत है, उसे संभालना है, और नहीं संभालता है तो वो उसी तरह से जहन्नम की आग में अपनी जान बार बार लेता रहेगा। मतलब बार बार मरेगा तो जिंदगी तो खत्म नहीं होने वाली है क्योंकि हमेशा की जिंदगी है वो, लेकिन बार बार अपने आप को मारता रहेगा वो। तो हम ये देखते हैं कि ये एक चीज है जिससे लोगों को खास तौर से डरना चाहिए, और जो शख्स ईमान का दावा करता है और इस बात को मानता है, तो हम ये कहते हैं ये रहनुमाई भी तो इस्लाम की दी हुई है। जो आपका सवाल था मैंने जवाब तक पहुंचा नहीं था, मैं ये समझता हूँ कि जुम्मा के खुतबों में, मिंबर से भी, बल्कि मुस्लिम मस्जिद में भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये सब टॉपिक्स भी कवर करें और लोगों को अवेयर करें, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, और जो पता चलेगा तो बहुत सारे लोग, ये सिर्फ कोई हवलदार नहीं दिख रहा है इस वजह से नहीं, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह के डर से, अपनी आखिरत को बचाने के डर से आप अपने आप को महफूज करो और बचाओ ये चीजों की, और जो सोच समझ के ही रूल्स बनाए गए हैं। तो हम सबको एक ताजीली सिस्टम है, डिस्क्रिशनरी कुछ पनिशमेंट्स होती है, तो वो सिस्टम को इस्लाम अपोज नहीं कर रहा है, बल्कि एक इस्लामिक रूल के अंदर भी वो चीज आ सकती है, पूरी गुंजाइश। तो जो ये टाइप ऑफ बगावत है लोगों के अंदर, ये सिस्टम को हम नहीं मानते, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, हम इस चीज को मानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। अल मुस्लिमूना इंदा शुरूतिहिम, मुसलमान अपनी शर्तों पे होते हैं, जो शर्त अग्री किया उस चीज को आपको फॉलो करना है। आपको लाइसेंस किस शर्त पर दिया गया, आप गाड़ी चला रहे हो किस शर्त के तहत चला रहे हो, आप वो सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो किस शर्त के तहत फॉलो कर रहे हो, वो शर्त पूरा करना आपके लिए अल्लाह की नजरों में भी जरूरी है, नहीं तो एक गुनाह है ये। अच्छा, यहाँ बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल आप तीनों से कर रहा हूँ मैं एक साथ, और परवरिश के हवाले से कर रहा हूँ, अभी अभी मेरे दिमाग में आया, और वो ये आया कि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि हमें परवरिश करनी चाहिए, हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को, आपने कहा भी, कैसर भाई ने कहा कि मोटर बाइक से पहले हमें हेलमेट उन्हें गिफ्ट करना चाहिए, या आपने कहा कि हम स्कूल में बच्चों को ये बताएं और घरों में बच्चों को बताएं कि ये पेडेस्ट्रियन है, ये पैदल पार करना है, ये ऐसा करना है, ये ऐसा करना है, ये सिखाएं हम। यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं, मेरे दिमाग में एक सवाल आया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उम्र के एक हिस्से तक हम लोअर क्लास को या मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, और एक हिस्से तक, उम्र के हिस्से तक बींग फादर मदर और बींग चिल्ड्रन कभी ये सोचते ही नहीं कि हमारे पास गाड़ी भी होगी, इसलिए हम ट्रेड ही नहीं करते लोगों, और अचानक एक दिन हमारे पास गाड़ी आती है और उम्र भर के ख्वाबों के बदले में वो गाड़ी आती है, हमारे अंदर कमाल का एंथुसियाज्म है, हमारे अंदर कमाल का जोश और खरोश है, अब हम सब कुछ भूल गए, एक तो सीखा नहीं हमने क्योंकि उम्मीद नहीं थी गाड़ी आने की, अब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो हमको मिल गई, अब हमने उस जोश और खरोश के साथ सड़क पर वो गाड़ी डाल दी, उसे दौड़ाया, उसे भगाया, उसे एक्सीडेंट किए, हम सब किया, एंड फाइनली किसी ना किसी एक्सीडेंट से हम जा मिले। आप बात कर रहे हैं कि ये एक मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी की बात करें, हम रोड सेफ्टी की बात करें, लेकिन अगर आप देखिएगा तालीम तरबियत जो दी जाती है बच्चों को वो ओवरऑल दी जाती है, उनको अच्छाई और बुराई का सलीका बताया जाता है। मेरा कहने का मकसद यही है कि हमारे तालीमी निजाम में ये रोड सेफ्टी इसलिए शामिल तो नहीं है, हमारे जो गैर स्कूली निजाम है तालीम का, घर का, ट्रेनिंग का, कहीं हमने इसलिए तो उसे गायब नहीं कर दिया कि हम ऐसा सोचते नहीं कि हमारे पास गाड़ी होगी। नहीं, मेरे ख्याल में ये बात मतलब ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं रखती इस बात को लेते हुए कि अगर हमारे पास वो चीज नहीं है तो हम उसके बारे में नहीं सोचें। नहीं, चाहिए नहीं कि मेरा सवाल चाहिए नहीं, होना ये चाहिए, लेकिन क्या ऐसा एग्जिस्टिंग जो हालात हैं उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है। फैसल भाई, आपका क्या राय है? मेरा इस पे जो टेक है वो जरा डिफरेंट है।
जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ ये है कि ये जो जनरेशन है और पीछे की जो जनरेशन, हमारे और हमारे बच्चों के दरमियान एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। पहले हमको कुछ अगर नहीं आता था समझ में तो हम अपने वालिदैन के पास जाते थे, आज का बच्चा गूगल पे जाता है। बहुत अच्छी बात की आपने। आज आप देखिएगा हमारी टेस्ट भी अलग थी, हमारे खाने अलग थे, हद के कपड़े भी हमारे अलग थे, और आज का जो जनरेशन है वो हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है और उसका जो अवेयरनेस का लेवल है, जो हम शायद ग्रेजुएशन हमारा लेवल होगा, हमारे बच्चों का मेट्रिकुलेशन में वो अवेयरनेस का लेवल होता है। तो आज के बच्चों से गुफ्तगु उनके मीडियम पे हमें करनी पड़ेगी। हम हर वक्त टोका टाकी, हर वक्त उस तंग करके या उसको डांट डपट करके इस मीडियम से हम बच्चों को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो हमको अपनाने पड़ेंगे। एक दूसरी वो मैं वालदेन में भी कमी पाता हूँ, ये है कि हम उनकी कोई चीज़ को सीखना नहीं चाहते हैं, उनके तमाम तर चीज़ों को हम रद्द करते हैं इसको जाने बगैर कि उसमें भी कुछ अच्छाई हो सकती है। तीसरी जो बड़ी बात यह है कि बच्चे जो आज का ग्रोथ हो रहा है वो अर्बन ग्रोथ ज़्यादा है। हम में से ज़्यादातर लोगों का जो है कुछ ना कुछ एक रूरल सेमी अर्बन बैकग्राउंड रहा है, लेकिन आज के बच्चे मेट्रो में पैदा होते हैं। तो इसमें होता क्या कि मेट्रो में कि उनका जो एक्सपोजर लेवल है वो हमसे बहुत अलग होता है और उनकी पसंद बहुत जल्दी जल्दी बदलती है, और हमें इतना इंपेशेंस होता है कि हम उस चीज़ को बगावत के तौर पर लेते हैं, उसको डील नहीं कर सकते। मैंने अपने बच्चों में देखा है कि एक ज़माने में उनको कोई चीज़ पसंद थी, 6-8 महीना मैं खुद कई बार गुस्सा होता था, मेरी बीवी मुझे समझाती थी कि ये सब पासिंग फेज है। और मैं अब देख रहा हूँ मेरी बेटी 10वीं में गई है, वो 3-4 साल पहले जिन चीज़ों के लिए उसकी दीवानापन था अब सब खत्म हो गई। तो ये जो है ना, इस चीज़ को फेस करना और इस शर्त पे लाना कि मेरी बात काटी जा सकती है और दलील से काटी जा सकती है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि आप चीज़ें हम पे इसलिए इम्पोज कर रहे हो क्योंकि आप हमको कन्विंस नहीं कर सकते, और कभी बुरा भी लगता है, लेकिन जब मैं सोचता हूँ उसको तो मैं समझता हूँ कि ये बात उसकी बड़ी मदलल है। हाँ, क्योंकि हमारे ज़माने तो हम अपने पेरेंट्स को कह ही नहीं सकते। तो क्या होता है कि वेन यू रन आउट ऑफ रीज़न यू कम इन टू इन्फोर्समेंट थ्रू वायलेंस, थ्रू रिब्यूक, थ्रू समथिंग। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है ना, इसके चलते क्या हो रहा है, पेरेंट की दुनिया अलग हो गई, बच्चों की दुनिया अलग हो गई, और वो अपने अपने दुनिया में जी रहे हैं, अगरचे वो एक घर में रहते हैं। दोनों की पेरेंट्स और बच्चों की दुनिया अलग हो गई। आपने भी बात में एक लफ्ज बोला, एक्सपोजर बच्चों के लिए, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि मैं अपने घर में भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं और नाजरीन आप भी देखते होंगे कि हमारे बच्चे गेम खेलते हैं, कंप्यूटर गेम खेलते हैं और बड़े बड़े वायलेंट गेम खेलते हैं, और ख़ासकर बाइकिंग जो है वो कंप्यूटर गेम में बहुत तेज़ किस्म की बाइकिंग, मोटरिंग, ड्राइविंग, वहाँ एक्सीडेंट करने में उनको मज़ा आता है और वो एक्सीडेंट कर रहे होते हैं। मैं देखता हूँ PSP कंप्यूटर, इस पर मेरे बच्चे खेल रहे होते हैं, मैं उनको डांट रहा होता हूँ, आपस में रेसलिंग कर रहे होते हैं। तो ये जो एग्रेशन है, ये एग्रेशन कहीं हमारे बच्चों का जो हमारा ये तफरी का निज़ाम है कहीं उससे तो पैदा नहीं हो रहा? तीनों से मेरा सवाल ये कि ये कहीं हम अपने बच्चों को एक्सपोजर के नाम पर कुछ ऐसी चीज़ें तो सर्व नहीं कर रहे जो उनकी एज, उनकी समझ और उनके दलील कबूल करने न करने के मादे के दरमियान कोई डिसबैलेंस पैदा कर रही हो? ये जो आपकी बात है वो बहुत रेलिवेंट और वैलिड है कि आज की जो सोसाइटी वो न्यूक्लियर सोसाइटी हो गई है। हम अपने पड़ोसियों के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, खेल के मैदान ख़त्म हो गए। छोटे शहरों में, देहातों में बड़े बड़े मैदान हुआ करते थे जहाँ शाम में सारे बच्चे जाके खेला करते थे, अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और उसको कहीं ना कहीं कंपनी चाहिए, तो उसके लिए गेम्स आ गई हैं। अब रियल लाइफ में क्या होता है कि जैसे अभी हम दुबई से अबू धाबी जाते हैं, अलैन भी जाके गए, तो अब वहाँ पे 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है। मेरे दोस्त ड्राइव कर रहे थे, बीच में टैं 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 आवाज़ आने लगी, तो मैंने पूछा भाई क्या है, इसको सीट बेल्ट भी मैं लगाया हुआ था। बोले कि जैसे ही मैं क्रॉस करता हूँ वो हमको गाड़ी में अलार्म अलार्म देता है कि भाई आप ज़्यादा जा रहे हो। तो मुझे लगता है कि जो गेम्स हम आज खरीद रहे हैं, लगा रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं इस किस्म की चीज़ होनी चाहिए कि एक स्पीड के आगे अगर आप जा रहे हैं तो वो जो है आपको अलार्म दे कि भाई आप ख़तरे में जा रहे हैं। एग्रेशन जो है, अगर ये सिर्फ तफरीह के लिए थोड़े वक्त के लिए है तो ठीक है, लेकिन उसको चैनलाइज करना और बाद में उसका एक समअप होना कि भाई आपने इतने लोगों को मार दिया, ठीक है गेम के लिए तो सही है लेकिन सही जिंदगी में ये मुनासिब चीज़ नहीं। मैं यही कह रहा हूँ, वो छोटे से बच्चे का छोटा सा जहन, छोटा सा दिमाग उस एक्सपोजर को और उस एक्सपोजर के जरिए किए गए उस प्ले को किस तरह से लेता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए हम ये बात को देखें कि ये बात मैंने पहले भी कही थी और बहुत अहम बात है कि जब एक इंसान अपनी ज़िंदगी के मकसद को नहीं जानता है तो उसे बहुत एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़िंदगी का खालीपन नहीं तो काटने को आएगा। अब ये जो गेम्स है ये उसी खालीपन को भरने के लिए है, और शॉर्टली हमारे एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं और गल्फ कंट्रीज़ के एक्सीडेंट्स के फिगर्स तो इतने ज़्यादा सिवियर हैं कि जितने लोग शायद वॉर्स में मरते हैं उससे कईयों गुना लोग ज़्यादा हर साल एक्सीडेंट्स में मरे जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता।
तो यहाँ हकीकत ये है कि ये गेम्स का भी कहीं बहुत बड़ा हाथ है हमारे सोसाइटी में बहुत सारी बुराइयाँ स्प्रेड होने में, ये गेम्स का भी बहुत अहम हाथ है। लेकिन जहाँ तक आपका ये सवाल था कि क्या है वजह कि भाई कोई मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है कि गाड़ी आने वाली है, तो यहाँ हम ये देखते हैं कि मॉरल्स जो होते हैं वो चाहे अभी बाइक मिल गई फिर बाद में कार मिल गई, हो सकता है आगे एरोप्लेन मिल जाएगा हेलीकॉप्टर चलाए, लेकिन वो मॉरल्स तो सेम रहेंगे। माँ बाप को बच्चों को वो तरबियत देना तो ही तो सदकाए जारिया बनेंगे बच्चे, कि भाई बच्चों को अगर वो सिस्टम बताया जाए कि देखो ये सिस्टम है, ये इंसानी जान है। एक चीज सोचिए, यहाँ पे आपने देखा होगा इंडियन कल्चर में हम ये देखते हैं इतना ज्यादा हॉर्न दबा दबा के बजाते हैं, कानों को कितनी तकलीफ होती है। जी 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 बिल्कुल। और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कयामत के दिन एक शख्स आएगा पहाड़ के बराबर निकियां होगी, उसने नमाज पढ़ा होगा, रोजा रखा होगा, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा कहा होगा, किसी को तकलीफ पहुंचाई होगी, और सब लोग आएंगे, इंसाफ का दिन है, कयामत का दिन है, इंसाफ लेने आएंगे। तो क्या लगता नहीं है कि एक शख्स है जो पता नहीं हॉर्न को इतना ज्यादा दबा के रखते हैं तो सारे लोग जिनको तकलीफ पहुंची थी वो सब कयामत के दिन आएंगे कि हाँ इसके हॉर्न से मुझे बहुत तकलीफ पहुंची थी, अब दे दो मुझे पेमेंट। अब पेमेंट देने के लिए कुछ है नहीं, पैसे रुपये डॉलर कुछ नहीं है, देना पड़ेगा पेमेंट अपनी नीकियों में से। क्या डर नहीं लगता, क्या ये चीज़ का एहसास क्यों नहीं है? और यही चीज़ हम देखते हैं कि गल्फ कंट्रीज़ में, अब्रॉड वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ही इम्पोलाइट समझा जाता है, अगर कोई जोर से हॉर्न मार दे तो बहुत ही गलत समझा जाता है, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे तो नॉर्मल बात है कि हॉर्न बजाते हुए जाओ, तो ये कितने सारे गुनाह जमा कर दिया उस इंसान ने, उसको एहसास भी नहीं। अगर आपने सामने वाले की गलती के बगैर उसको हॉर्न बजा दिया तो he has all the rights के वो गाड़ी रोके उतर के आए और आपको डांट दे कि आपने मुझे गाली क्यों दी, I was not wrong। आप हॉर्न बजा सकते हैं, लेकिन अगर सामने वाला गलत है उसको उसकी गलती का एहसास दिलाने की। बल्कि मैं आपको वाकई बताता हूँ कि मैं खुद जब ड्राइविंग टेस्ट दे रहा हूँ, मुझे मेरा एग्जामिनर बोल रहा है भगाओ भगाओ भगाओ, बीच में वो अफगानी पठान साइकिल से क्रॉस कर रहा है, मैंने एज पर इंडियन हैबिट हॉर्न दिया, एग्जामिनर के पाँव में भी ब्रेक है, उसने ब्रेक मार, मैंने कहा व्हाट हैपेंड सर, कितनो यू हैव टू सेव हिम डोंट ब्लो द हॉर्न, मैंने कहा मेरे पीछे गाड़ी है, बोले हिज ड्यूटी इज टू सेव यू, करेक्ट, हिज ड्यूटी इज टू सेव यू नॉट लुक बिहाइंड। एक्चुअली बात वहीं पर आती है, मजहबी तौर पे या आप देखिए किसी और तरीके से, जब ये मजहबी मसला बता रहे हैं, लेकिन कानून का एहतराम करना सबसे बेसिक फंडामेंटल है। अगर हम कानून का एहतराम करें, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा परसेंटेज में हमारे जो मौतें होती है या जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो बचाए जा सकते हैं। जैसे अब बताया गया कि अब बाहर जाके जो आदमी देखते हैं यहाँ इस मुल्क के कानून सख्त है, मैं यहाँ पे अगर कुछ कर दूंगा तो मुझको फाइन लग जाएगा, क्योंकि उसको उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन का डर है कि यहाँ पे सख्त सजा होगी मुझको। यही चीज अगर मैं समझता हूँ और मेरी राय ये होगी कि हुकूमत हर स्टेट में, स्पेशली अभी यहाँ की बात करें तो बॉम्बे की, यहाँ पर लोग अगर कानून का एहतराम करना शुरू करें और इसके ऊपर काम करना शुरू करें कि कानून का एहतराम कैसे किया जाए, द बेस्ट वे यू कैन इम्प्लीमेंट दिस टूवर्ड्स द लॉ। अभी आप देखिए जैसे स्कॉट खड़ी होती है ट्रैफिक की और डर पैदा हो जाता है कि अब मैंने थोड़ी सी शराब पी है लेकिन मैं पकड़ा जाऊंगा, हालांकि फैक्ट बात यह है कि उनके पास जो मीटर है वो एक कैलिब्रेटेड मीटर नहीं होता है, बट इट्स अ फियर कि भाई अभी हो सकता है मुझको अभी फाइन लग जाएगा या ऐसा फाइन लगेगा जो बहुत मुश्किल होगा। इसी तरह से ये कानून जो एक्चुअल डराने के लिए किया जाता है ना, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लोगों में इसकी अवेयरनेस आनी चाहिए। जैसे अभी गुटखा हो गया या ट्रैफिक का वॉयलेशन होता है, उस पर इतना सख्त कानून है कि आपको नो बेल है उस पर। एक दो चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक को अगर इस एक्सीडेंट से बचाना होगा तो हमको एक कानून सख्त करने होंगे, और क्राइम बचाना होगा तो कानून को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, मैं कैसर भाई इस हवाले से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मतलब आउट ऑफ द सिस्टम एक सवाल पूछ रहा हूँ, और वो ये है कि क्या हम जानते हैं कि हमारा निज़ाम क्या है? हम 120 करोड़ लोगों का मुल्क हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं इतना बड़ी तादाद में होने की वजह से, लेकिन क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये हमारे जो ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट है या इस तरह के मैंडेटरी डिपार्टमेंट है, हम एक चीज़ तय कर लें, अपने लेवल पर तय कर लें कि यार ये कुछ दो तीन ऑफेंसेज हैं, इस पर ना हम किसी का फ़ोन कबूल करेंगे ना किसी की सिफारिश कबूल करेंगे। यानी मैं रास्ते में जाता हुआ अगर मुझे ट्रैफिक हवलदार रोक ले पकड़ ले, मैं कैसर खालिद साहब का नाम लेके बच ना जाऊँ, तो ये तय बात है आपके सेक्शनों के, कोई मेरा नाम ले मेरे से उसको बोलना फ़ोन पर बात कराओ और उसे डबल पेनल्टी लेना है। कोई दानिश जावेद नाम का आदमी तुम्हें रोड पर अगर मेरी धमकी दे, मेरे नाम की धमकी देख दो, तुम्हारे सबसे बड़े अफसर को मैं जानता हूँ, मैं फ़ोन पे बात करूँगा तो वो डर जाएगा, तय बात है, और मुझे जाने देगा, छोड़ देगा। लेकिन आप लोग आपस में मिलकर कुछ ऐसा तय कर लेंगे, नहीं यार ये जो जान से रिलेटेड मामले हैं, ठीक है अगर कहीं रॉन्ग पार्किंग है तो जाने देना यार, ठीक है सिग्नल तोड़ा तो नहीं जाना, डबल तुम कैसर खाली साहब जानते हो, तुम्हें डबल फाइन देना पड़ेगा, रॉन्ग पार्किंग भी खुद एक बार रॉन्ग पार्किंग हो सकता है जी। मैं जो पिछली रहमान भाई और जैद भाई की बात थी, जस्ट एक उसमें ऐड करके आपके सवाल पे आता हूँ कि सारा का सारा मामला हकूकुल एवाद का है, जिसको हम मॉडर्न कंसेप्ट में या इंग्लिश कंसेप्ट में कहते हैं राइट्स और ड्यूटीज़,
कोई राइट्स ड्यूटी के बिना क्रिएट नहीं होता है, और आप किसी भी राइट को तब तक इंजॉय नहीं कर सकते जब तक उससे रिलेटेड जो आपकी ड्यूटी है आप उसको परफॉर्म नहीं करें। यही कंसेप्ट हकूकुल इबाद का है कि भाई दूसरों के हकूक आप पे क्या हैं, तो हमको ये बात समझना चाहिए। सेकंड जो चीज़ है वो ये होता है कि इन्फोर्समेंट आउटसाइड से नहीं हो सकता है, इन्फोर्समेंट विद इन से होता है। जब तक हम अपने दिल के अंदर से, अपने जहन और अपने ज़मीर से ये बात को नहीं लाएं कि भाई मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, तब तक जो है सही मानों में फिर हम खोजते रहेंगे कि ट्रैफिक का कोई आदमी है, कोई पुलिस का आदमी है, कोई वार्डन खड़ा है तो हम रुकेंगे, नहीं तो फिर भाई हम भाग जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम रोड सेफ्टी को और दूसरे कई तरीक़ों से इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे इस शहर का मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि पिछले सालों में हमने जो एवरेज रोड फैटेलिटीज़ होती थी वो अंदाज़न 550 हुआ करती थी मुंबई में, उसको 92 से पिछले साल कम करने में हम लोग कामयाब हुए। अच्छा, इसमें कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है। जहाँ बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे थे हमने जाके पूरे जगह का सर्वे किया और हम लोगों ने ये देखा कि इसमें हम वो कौन सी चीज़ें बदलाव ला सकते हैं जिससे कि ये कम हो जाएं। जैसे कुछ जगहों पे रोड मार्किंग नहीं थी, वहाँ मार्किंग हम लोगों ने लगाई। कुछ जगहों पे स्पीड का इशू था, वहाँ हमने रैम्बलर लगा दिया कि एकदम से रुक भी नहीं जाएं, आपकी स्पीड कम हो जाए, आवाज़ आपको आ जाए। कुछ जगह पे ब्लिंकर लगा दिया कि आप जा रहे हैं तो आपको लगे कि हाँ जी ब्लिंकर है, आगे कुछ है। कुछ जगहों पे जो एंगल ऑफ कन्वर्जेंस है उसको हमने बढ़ा दिया कि अचानक से ऐसे ना हो, धीरे धीरे करके दोनों आ जाओ। कुछ जगहों पे सिग्नल की जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम लोगों ने सिग्नल लगाया। कहीं पे पुलिस डिप्लॉयमेंट करने की ज़रूरत है जिसको विजिबल पुलिसिंग कहते हैं, वहाँ हम लोगों ने किया। इन सब का नतीजा ये हुआ कि पिछले साल 92 मौत हम कम कर पाए मुंबई शहर के अंदर। तो मुझे लगता है कि बड़ा हिस्सा जो है इसका हम इस ढंग से रोक सकते हैं जिसको कहते हैं या तो मैकेनिकल इंप्रूवमेंट लाएँ, रोड कंडीशन में इंप्रूवमेंट लाएँ, या वहाँ के सिग्नलिंग विजिबिलिटी उन सब चीज़ों में हम इम्प्रूवमेंट लाएँ, तो हम उसको कर सकते हैं। जहाँ तक ये मामला है कि लोग जो पकड़े जाते हैं, अब हम हर साल अंदाजन 15 लाख से ज़्यादा केसेस करते हैं और करीब 16 करोड़ से ज़्यादा फाइन सिर्फ इस शहर में होता है, जबकि अभी पुराना लॉ चल रहा है, अभी नया लॉ पार्लियामेंट में लाया गया है। मुझे लगता है कि इस साल के आखिर तक वो लॉ नोटिफाई हो जाएगा जिसमें फ़ाइन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैंने कह के रखा है कि अगर कोई हमारा नाम ले तो सबसे पहले उसको ये करना कि उसको गाड़ी से उतार के ये कहना कि साहब आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बल्कि एक साहब फिल्म बनाते थे, वो हमारे पहचान में थे, एक बार उन्होंने सिग्नल जंप किया तो हमारा जो कांस्टेबल था उन्होंने उसको बाजू में लिया, तो उन्होंने तड़ाक से मुझे फ़ोन लगाया। तो मैंने कहा कि साहब को जरा बुला के समझाना कि साहब आप जैसे लोग अगर ऐसा करेंगे तो वो आदमी जो रिक्शा चला रहा है वो क्या करेगा, और वो शर्मसार हुए उस पर। तो कोई भी शख्स जो इस किस्म की चीज़ें करता है हम पहले ये कहते हैं कि भाई चलान हो गया ना, अभी फ़ाइन को भरो, और तुम जैसा आदमी अगर ऐसा एग्जाम्पल सेट करेगा तो दूसरे लोग क्या करेंगे। तो मैंने उनको जवाब दिया कि ही हैज़ सेट अ वेरी बैड एग्जाम्पल। मैंने सिर्फ यही जवाब दिया कि इन साहब ने एक बहुत बुरा एग्जाम्पल सेट किया है, अगर अल्लाह ने आपको ये सदात दी है तो आपने तो लॉ को फॉलो करने में सबसे आगे होना चाहिए ताकि वो मिसाल भी आप सेट कर सके। जख्मी होने वाले या जख्मी किया जाने वाले शख्स की जगह अपने आप को या अपने बच्चों को या अपनी औलादों को या अपने रिश्तेदारों को रखकर अगर आप सोचेंगे तो आप यकीनन ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करेंगे और ट्रैफिक हवलदार्स की भी मानेंगे और उन तमाम कवानीन को मानेंगे जो इन्हें रोकने के लिए बनाए गए हैं। अब्दुलरहमान भाई के पास चलते हैं। एम्बुलेंस के वक्त पे पहुँचने ना पहुँचने के हवाले से कैसर खालिद भाई ने अभी बताया कि जो स्टाफ है वो पूरी तरह ट्रेंड नहीं है टू हैंडल द सिचुएशन। जितनी मौतें एक्सीडेंट से होती हैं उससे कहीं ज़्यादा मौतें मिसहैंडलिंग से हो जाती हैं। तो यहाँ मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि ये ट्रेनिंग हमारे अवाम को भी नहीं है, ये ट्रेनिंग हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसको भी नहीं है, उसका सबब क्या है। देखिए, हर चीज़ की शुरुआत हर इंसान की ज़िम्मेदारी से शुरू होती है। अभी जो मशीनरी है जो इस चीज़ की ज़िम्मेदार है उसको चाहिए कि वो इन चीज़ों को बेहतर तरीके से कैसे समझे। जैसे अभी एम्बुलेंस की बात अगर मैं करूँ, हमारे ट्रैफिक सिस्टम में जो ट्रैफिक जैम्स टाइम के हिसाब से लगा रहता है उसके 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये है कि हैवी ट्रक्स जो हैं वो 24 घंटे कहीं पर भी किसी भी जगह पे चले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि उनको रोका जाए, उनको टाइम लिमिट दी जाए कि आप इस जगह पे इतने वक्त से ना जाएं, ताकि एक रास्ता होगा जिससे ट्रैफिक को काफ़ी सहूलत मिलेगी आने जाने वाले लोग, पहली बात। दूसरी बात, एम्बुलेंस की जो इम्पोर्टेंस है वो ड्राइवर्स को समझ में आना चाहिए जो गाड़ी चला रहा है, ट्रैफिक में मौजूद है लोग, वो उनको समझ में आना चाहिए क्योंकि लाइसेंस लेने के वक्त हर चीज बताई जाना भी जरूरी है और जाती है। जैसे टैक्सी वालों को बताया जाता है कि तुम ये कसम खाओ कि तुम जिसको बिठाते हो उसको मंजिल मकसूद तक पहुंचाओगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी नहीं समझता, वो समझता है जितना मीटर चलेगा मेरे को पैसा मिलेगा, वो भूल गया अपनी जिम्मेदारी। तो हर चीज जिम्मेदारी से शुरू होती है। जहां तक इसका सोल्यूशन है, जैसे आप एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, हमारे पास मेरे ख्याल में हर स्टेशन पर
डिस्टेंस पर फायर ब्रिगेड्स के स्टेशन बने हुए हैं जो बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं। अगर एम्बुलेंस को उससे कोऑर्डिनेट किया जाए और एक एक एम्बुलेंस हर स्टेशन पे खड़ी कर दी जाए और कॉल के ऊपर उनको, जैसे नॉर्मली बाहर ममालिक में ऐसे होता है, वो हर चौराहे पर एक एम्बुलेंस खड़ी नहीं करते हैं। उनको पता है ये एक स्टेशन है, यहाँ पे एक एम्बुलेंस खड़ी कर दो। अगर उसको कॉल आ गया कि बांद्रा में कुछ हुआ है तो बांद्रा के नज़दीक वाला जो फायर ब्रिगेड होगा वहाँ से एम्बुलेंस निकलेगी, तो जो ट्रैफिक उसको दादर से लेके आना है वो लेके नहीं आएगा। तो इस तरह से कुछ मसले ऐसे होते हैं जो हल किए जा सकते हैं। वहाँ तो कमाल है, मैं एक्सपीरियंस विदिन 5 मिनट्स यू विल फाइंड एम्बुलेंस रीचेस टू द प्लेस। भाई मैं ये एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, वहाँ तो कमाल है। पहली बार मुझे एहसास हुआ इस बात का, मैं दुबई में ड्राइव करता था तो मुझे लगता था यार ये एक येलो लाइन उन्होंने बनाई है, इसके उधर जाना मना। और आमतौर पर पीक आवर्स में शारजा टू दुबई लाइक हेल एक ट्रैफिक होता है जैम। एक दिन मैं मेरे दोस्त के साथ था कि उसके घर से फोन आया, उसकी बीवी को लेबर पेन शुरू हुए और उसको फौरन हॉस्पिटल लेके जाना था। हम लोग दौड़े, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, अपनी बीवी को लेके मेरी गाड़ी में आ गया और हम जाम में फंस गए। और इमरजेंसी इस कदर थी कि ऐसा लगता था कि गाड़ी में डिलीवरी नहीं होगी और हम दोनों मर्दों के हाथ पैर फूलने शुरू हो। सडनली मुझे याद आया, मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस ने लोकेशन हमारी ली और हमसे कहा कि जहाँ हैं आप वहीं रहिए, इधर उधर मत हो जाइए। उस लोकेशन पे कैसर भाई विदिन 7 to 8 minutes देवर देयर ऑन द येलो लाइन। उन्होंने गाड़ी हटाई और हमसे शिफ्टिंग नहीं मांगी, उन्होंने कहा फॉलो अस। अब हम उनको फॉलो कर रहे हैं बी ऑन द येलो लाइन, और फॉलो करते करते उन्होंने नेक्स्ट 10 minutes में हमको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया और खैर आफियत के साथ उनकी डिलीवरी। कि ये येलो लाइन हमारे यहाँ कब बनेगी जिसके उधर जाते हुए हम इसलिए डरे कि यार ये किसी बीमार का हिस्सा है, सेहत खराब करने वाले का हिस्सा है, या किसी ऐसे इंसान का हिस्सा है जिसकी जान बचाई जानी है, इमरजेंसी का हिस्सा है, कब हम उस पर जाने से बचे। मैं इस पर आ रहा हूँ। दुनिया में जो शहर बने हैं अभी तक दो तरीके से बने हैं, या तो शहर पहले बन गया और फैसिलिटीज बाद में डेवलप हुई, या आपने प्लान करके एक शहर बसाया और सारी फैसिलिटीज साथ में डेवलप की। हिंदुस्तान जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ शहर मोहल्ले देहात पहले आ गए और रास्ते बाद में आए। और दूसरा ये है कि कुछ शहरों में फिज़िकल लिमिटेशंस हैं स्पेस की, जैसे मुंबई एक एग्जांपल है कि जहाँ स्पेस आप बढ़ा नहीं सकते, कि 400 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर का एरिया है तो इतना ही रहेगा, सिर्फ आप ऊपर जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो रोड लेंथ है उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होगी। वो थोड़ा बहुत फ्लाईओवर बन गया, कुछ आपने कहीं से बना लिया तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में एक ब्लैंक लेन रखना शायद मुझे लगता है इम्प्रैक्टिकल। लेकिन सिर्फ वही सोल्यूशन नहीं, जैसा दुबई में आपने कहा कि वो एक ब्लैंक लेन रखते हैं इमरजेंसी व्हीकल के लिए। तो ग्राम आपके बीच में हमने ये देखा कि दिल्ली की अपनी एक मजबूरी है, लेकिन अभी हमने कॉमनवेल्थ गेम में देखा कि दिल्ली के ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने कॉमनवेल्थ गेम के लिए बाकायदा पूरी दिल्ली में एक अलग लेन बनाई और उस लेन के बियॉन्ड जाने के लिए 5,000 रुपये जुर्माना रखा जो जाएगा, और पूरे कॉमनवेल्थ गेम में वो लेन चलती रही। बाहर से आने वाले मेहमान, बाहर से आने वाले खिलाड़ी, बाहर से आने वाले डेलीगेशन ले जाए जाते रहे। अग्रीड, आपकी बात बिल्कुल सच है कि हमारे पास मुंबई में इतनी जगह कहाँ है, लेकिन जहाँ है लाइक हाईवेज में हमारे ऐसे ऐसे कभी कभी ट्रैफिक लगते हैं जैम लगते हैं, अगर वहाँ कोई एक अलग लेन है जो इतनी है कि एक एम्बुलेंस, छोटी एम्बुलेंस गुजर जाए। नहीं, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ तो शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। दिल्ली में एक डेडिकेटेड लेन बनाने से पहले हमने मेट्रो बना लिया था, और दिल्ली की मेट्रो कई लाख लोगों को रोज़ाना लेके जाती है। तो जब तक आप प्रेशर डाइवर्ट नहीं कीजिएगा तब तक आप दूसरों से स्पेस क्लेम नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये कि यूरोप भी हमारे जैसे एक एग्जाम्पल है, इवन US के जो पुराने शहर हैं वो भी हमारे जैसे हैं कि शहर पहले बस गए, फैसिलिटीज बाद में आई। तो वहाँ तरीका क्या होता है कि जब भी कभी एम्बुलेंस आए, तो चूँकि जैसे हमारे यहाँ ड्राइव राइट हैंड का है, वहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो सारे के सारी गाड़ियाँ जो हैं वो लेफ्ट साइड को जाएंगी और एक लेन क्लियर कर देंगे या अपने से पास होने देंगे। दुनिया के कुछ दूसरे मुल्कों में दूसरे एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे मुझे कोलंबिया का एग्जाम्पल याद है कि वहाँ पर एक बड़ा नादिर सा एक्सपेरिमेंट हुआ कि एम्बुलेंस और लोकल रेडियो स्टेशन FM स्टेशन के बीच टाई अप हुआ, कि उसमें एक ट्रांसमीटर लगाया गया एम्बुलेंस में कि जैसे ही एम्बुलेंस किसी एरिया में आती है उस एरिया में जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं और जो FM सुन रहे हैं उनके FM की जो स्टेशन है उसका गाना या उसकी न्यूज़ बंद हो जाएगी और सिर्फ एक आवाज़ आएगी एम्बुलेंस अप्रोचिंग। तो जब तक वो एम्बुलेंस निकल नहीं जाती है वो आवाज़ उनके रेडियो से आती रहेगी। बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम लोगों ने पिछले साल एक स्कीम शुरू की और बल्कि एक तहरीक शुरू की, मेक वे फॉर एम्बुलेंस बिफोर अ लाइफ मेक्स वे फॉर डेथ, ये हमारा कैश लाइन था जिसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया। एक तो ये कि चूँकि मुंबई की जो हकीकत है उससे पर्दापोशी करके हम काम नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ क्या करना है कि हमने एक डेडिकेटेड फ़ोन नंबर अपने ट्रैफिक कंट्रोल रूम में रखा हुआ है। आसान सा नंबर है 9987221100।
हेल्पलाइन नंबर है ऑडियंस, फिर से सुन लीजिए, 9987221100। आप इस नंबर पर टेलीफोन करके इस तरह की सारी इमदाद हासिल कर सकते हैं। तो जैसे ही हमें फ़ोन आता है तो हम पता लगा लेते हैं कि कहाँ से एम्बुलेंस निकली है और कौन से हॉस्पिटल में जा रही है। अच्छा, अगर इस शहर को आप देखिए कि लीनियर शहर है, तो हम उस एरिया के तमाम जो ट्रैफिक कंट्रोल स्टेशन हैं उनको कहते हैं कि एक एम्बुलेंस इस नंबर की निकली है, इसको तुम प्रायोरिटी पर निकालो। एम्बुलेंस वही सर्विस है मुंबई सिटी में जो रेड सिग्नल में भी निकाली जा सकती है और जिसको हम निकालते हैं। और मैं ये पूरे फख्र के साथ कहता हूँ कि हम निकालते हैं, हम एम्बुलेंस को रेड सिग्नल में भी निकालते हैं। हम मिनिस्टर्स को नहीं निकालते रेड सिग्नल में, उनको रुकना पड़ेगा जी, जी, जी। लेकिन एम्बुलेंस हम निकालते हैं। और एम्बुलेंस जहाँ पे भी आई, और चूँकि शाम और सुबह के वक्त में जो जैम होता है, तो जब भी आवाज़ उसकी सुनेगा तो हमारा लोकल ट्रैफिक का कॉन्स्टेबल जाएगा, वो उसको निकालेगा जो जिस ढंग से भी मुमकिन हो उसको आगे करके। जैसे बहुत बार हम क्या करते हैं कि गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, अब जिस लेन में एम्बुलेंस फंसी हुई है हम उस लेन को निकालेंगे, बाकी सबको रोक देंगे, उस लेन को सिर्फ क्लियर करेंगे। कुछ लोग ताजुब से भी देखते हैं कि सिर्फ एक लेन वाली क्यों जा रही है, लेकिन जब तक एम्बुलेंस नहीं निकलेगा हम उसको करते हैं। और जब तक वो मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचती है हमारा कंट्रोल रूम उसको फॉलो करता है। तो हमने ये किया है। तीसरा सिस्टम जो हम लोगों ने इसमें किया है कि जो मेन एम्बुलेंस प्रोवाइडर है यहाँ का महाराष्ट्र के अंदर, 108 ये नंबर है एम्बुलेंस के एमरजेंसी का, तो बीबीजी ग्रुप है। अभी हम बीबीजी ग्रुप से ऐसा टाई अप कर रहे हैं कि उनका एक शख्स बैठेगा ट्रैफिक कंट्रोल रूम में, जिसके पास पूरे स्टेट में कहाँ एम्बुलेंसेस चल रही हैं उसका मैप होता है। और इनका एक कॉल सेंटर है पूना में, तो इनका जैसे कहीं से कॉल आई तो जैसे रमन भाई ने कहा, यहाँ पे भी सिस्टम वही है कि नियरेस्ट एम्बुलेंस कौन सी अवेलेबल है उसी को डायरेक्ट किया जाएगा। पेशेंट किस किस्म का है, उसकी इमरजेंसी क्या है, वो उन चीज़ों को डॉक्टर उसमें रहेगा, वो फीड करेगा और इसके लैपटॉप पर वो चीज़ रहेगी, तो उससे हमको पता लग जाता है कौन सी इमरजेंसी है और कौन सी नॉर्मल शिफ्टिंग है। तो इमरजेंसीज को हम प्रायोरिटी पे हमेशा निकालते हैं, और मुझे लगता है कि अगले कुछ महीनों में ये सिस्टम और परफेक्ट होगा। अगले कुछ महीनों में ये सिस्टम और परफेक्ट होगा। दोस्तों, घड़ी की सुइयों का हमसे तकाजा ये है कि प्रोग्राम को खात्मे की तरफ ले जाया जाए। मैं अपने तीनों मेहमानों से एक आखिरी कमेंट चाहूँगा, आइए शुरू करते हैं अब्दुल रहमान भाई से। मेरी सभी लोगों से अपील ये है कि सबसे पहले तो अपने पड़ोस के लोगों के साथ उनकी जिंदगियों के लिए अपने दिलों में प्यार पैदा कीजिएगा, उनका एहसास रखिएगा कि उनको तकलीफ होने से आपको उनकी तकलीफ का एहसास कैसे हो सकता है। मेरे ख्याल में अगर एहसास आपको होगा कि उनकी ज़िंदगी कितनी अहमियत है बचाने के लिए, उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी भी कितनी अच्छी तरीके से चल सकती है, ये बहुत अच्छा काम होगा। और लिव फॉर अदर्स, यू विल डेफिनेटली बी हैप्पी। दिस इज माई अपील टूवर्ड्स द पीपल। जैद खालिद भाई, मैं हमारे इस प्रोग्राम के सारे नाज़रीन को ये अपील करता हूँ, ख़ास तौर से वो तमाम लोग जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, मरने के बाद की ज़िंदगी पर ईमान रखते हैं, कि उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो इस प्रॉब्लम के सल्यूशन का हिस्सा बने। और सिर्फ बातों से काम नहीं बनने वाला। हम सब जानते हैं कि एक जान को बचाया तो ऐसा है जैसे सारे इंसानों को बचा लिया, लेकिन क्या हम गियर्ड अप है जान को बचाने में? क्या हमारे पास कोई ट्रेनिंग है? तो ये जो फर्स्ट एड ट्रेनिंग की बात हो रही थी, ये फर्स्ट एड ट्रेनिंग हमें हासिल करनी चाहिए। बल्कि मैं इनक्रेज करूँगा सारे ऐसे सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कम्यूनिटी सेंटर्स, इस्लामिक सेंटर्स, मसाजिद भी, कि वो ऐसी चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज़ करें कि कैसे एक जान बचा सकते हैं। और रोड सेफ्टी का ताल्लुक इंसानी ज़िंदगी से है। हम सबको चाहिए कि अपने सजेशंस पास ऑन करें। मैं समझता हूँ कि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनसे हमारा हिंदी कम्युनिकेशन होना चाहिए। कोई चीज़ में अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये नो पार्किंग लगाई गई है, ये कोई रिक्वायर्ड नहीं है, अपने सजेशंस को पास ऑन करें, लेकिन उन रूल्स को तोड़ें ना। और कोई इसमें बहादुरी नहीं है कि फास्ट स्पीड जा रही है और उसमें कोई हाथ दिखा करके चले जाए और बोले कि मैं तो क्रॉस कर लिया, तो ये कोई बहादुरी की बात नहीं है, क्योंकि हमारी जान भी अमानत है। लोग बोलते हैं ना मेरी जान है, वो मेरी जान मेरी नहीं है, वो मेरी जान भी अल्लाह की दी हुई अमानत है। क़यामत के दिन हमें अल्लाह को जवाब देना है कि इस जान के ताल्लुक से, इस जिस्म के ताल्लुक से, जिस्म के पार्ट्स के ताल्लुक से हमने उसका क्या ख्याल रखा था। उसी तरह किसी और की जान के ताल्लुक से भी हमें संभालना है, पूरा एहतियात बरतना है। दुनिया में हो सकता है कि इंसान बच जाएगा, दुनिया में हो सकता है वो कुछ करप्शन करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाएगा, या हिट एंड रन एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई उसे देखेगा नहीं अगर कैमरा वगैरह नहीं लगा हो, जो कई बार नहीं लगा होता है। लेकिन अल्लाह के पास हर चीज़ का पूरा के पूरा रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड से कोई इंसान बच नहीं सकता है। उसे अपने किए हुए का रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्या अच्छों को अच्छाई का बदला नहीं मिलेगा? क्या बुरों को बुराई की सज़ा नहीं मिलेगी? तो हम ये बात को याद रखें कि एक दिन आने वाला है जिस दिन ये फाइन्स एंड पेनल्टीज नहीं, जिस दिन अल्लाह ताला के पास से सेटिंग करके बचने का कोई तरीका नहीं होगा, जिस दिन हमें पूरा पूरा बदला मिलेगा अपने काम का, अच्छा किए तो अच्छा मिलेगा और बुरा किए तो उसकी सज़ा से बच नहीं सकते।
अच्छाई का बदला अच्छा मिलेगा, बुराई का बदला बुरा मिलेगा। कैसा खालिद भाई आपका मैसेज? मुझे लगता है कि बदलाव की शुरुआत खुद से होनी चाहिए, ये बहुत अहम है। हमारा पूरा का पूरा फोकस और कंसंट्रेशन दूसरे को सुधारने के लिए होता है, दूसरे में बदलाव लाने के लिए होता है, हम खुद को भूल जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हम जब किसी पे उंगली यूं करते हैं तो तीन उंगलियां अपने तरफ इशारा करती हैं। जिस दिन हमने खुद को सुधारने की कोशिश शुरू की, माशरा, समाज और मुल्क अपने आप सुधर जाएगा। और एक आखिरी है, देयर इज़ नो राइट विदाउट ड्यूटी, ये इस्लाम का भी कंसेप्ट है, ये मुल्क का कानून भी कहता है। हम इस बात को अपने ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बना लें, हम अपनी जिम्मेदारियों को अदा करेंगे, हमारे हकूक हमको खुद मिल जाएंगे, चाहे वो रोड पे हो चाहे रोड के बाहर हो। रोड सेफ्टी बुनियादी तौर से यही है। दोस्तों, प्रोग्राम अपनी इंतहा को पहुंचा चाहता है, तो और जो सारे डिस्कशन से बात निकल के सामने आती है वो ये है कि जब आप किसी पे एक उंगली उठाते हैं तो तीन उंगलियां आपकी तरफ उठ रही होती हैं। सुधार की शुरुआत, तरक्की की शुरुआत दूसरे के घर से नहीं, अपने घर से होती है। जिस दिन आप सुधर जाएंगे, जिस दिन आप तरक्की कर जाएंगे, आपका मुआशरा, आपका समाज और आपका मुल्क तरक्की कर जाएगा। दोस्तों, सड़क पे एक्सीडेंट में मरने वाला या जख्मी होने वाला इंसान किसी ना किसी का भाई, किसी ना किसी का बेटा, किसी ना किसी की बेटी, किसी ना किसी की बहन, किसी ना किसी की माँ या किसी ना किसी का बाप होता है, और वो बाप, वो बहन, वो भाई, वो बच्चा खुदा ना करे कि आपका हो। ख्याल रखिए, क्योंकि एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी में बैठे हुए आप हो सकते हैं, किसी भी दिन आप हो सकते हैं। याद रखिए कि एक्सीडेंट में मरने वाले भी आप हैं, मारने वाले भी आप हैं। जब तक आप इस मरने और मारने के दरमियान अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे, अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे, अपने समाज को एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक किसी बेहतरी की कोई उम्मीद आप किसी दूसरे से नहीं कर सकते। नाज़रीन, किसी मशहूर शायर के शेर के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं कि हादसा फिर कोई होने को है दुनिया वालों, हादसा फिर कोई होने को है दुनिया वालों, हमने हालात के माथे पे शिकन देखी है। खुदा करे हालात के माथे की शिकन को आप भी देख लें। खुदा करे हमारी सड़कों पर होने वाली ये मौतें, ये हादसे, ये ज़ख्मी लोग कम हो जाएं और हत्ता के ख़त्म हो जाएं। हम सेफ ड्राइव करें, सेफ रहें। फिर अगले प्रोग्राम में फिर किसी नए मेहमान और नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखें।